ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲି ହେଉଛି ଇନର ଫ୍ଲୋ, ମିଡିଲ ଫ୍ଲୋ, ଆଉଟ ଫ୍ଲୋ। हाँ सही थे, मैं देखी थी इनर फ्लो, मिडिल फ्लो एंड आउटर फ्लो। आउटर फ्लो। ये रहे तुम्हारा आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, देयर वुड बी आउटर फ्लो, अपर फ्लो तुमको दिखा जीवो, देयर वुड बी इनर फ्लो। देन रेन बैंड दिखा जीवो, तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखते ले, जो एटा तुम्हारा रहो आई, दिस वुड बी आई वॉल, देन तुम्हारा रेन बैंड। इसका स्क्रीन था सु ये रहे तुम्हारा आउटर रेन बैंड ये सब आम देखी थे। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन म्यूट करके रखे जहाँ जिते दरकार क्वेश्चन पचार पार है ना, अनम्यूट करके। देन आम देखी थे कौन ये देखी थे कि आंटी साइक्लोनिक कंडीशन था, लेट्स से लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट वुड बी एंटी क्लॉक वाइज। ये कौन थे रहे तुम एंटी क्लॉक वाइज है ना, सो लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये कौन थी एंटी क्लॉक वाइज। देन एंटी क्लॉक वाइज कौन पर रोटेशन टा, एंड हाई प्रेशर वुड बी क्लॉक वाइज, ये रोह तुम क्लॉक वाइज बुझे, क्लॉक वाइज रो सो दैट इट वुड बी अपोजिट टू द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर द लो प्रेशर वुड बी कमी रोह तुम क्लॉक वाइज, एंड ओबियसली हाई प्रेशर वुड बी एंटी क्लॉक वाइज है ना। ये टिके मन रखी बहुत बेसिक जिनस, एंटी क्लॉक वाइज रोर जोटा कि लो प्रेशर टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रोटेशन टा, लाइक वाइज द हाई प्रेशर और जहाँ को ये साइक्लोन हेले एटा है तुम एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर को आम कौन कहू एंटी साइक्लोन, दिस विल रोटेट इन क्लॉक वाइज ये तुम रोटेट कर। देन आपको देखी थे ये रोह तुम सदर्न हेमिस्फीयर दिस वन दैट इज लो प्रेशर टा रहो क्लॉक वाइज एंड हाई प्रेशर रहो एंटी क्लॉक वाइज। बस मत कह ये कौन तालीम दीजिए वाई बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस डिफ्लेक्शन, जो विंड रहो तार डिफ्लेक्शन जो एमती फॉर्मेशन होता है बा कंडीशन देखा जाए था। आउ थोड़ी रिवाइज कर दूची, लेट्स से ये रहो तुम्हारा लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लो प्रेशर कौन करे विंड विल move towards the center or centripetal force, or this would be called as the centripetal force, okay, it will, the wind will flow towards the center, but due to the Coriolis force, the wind would be deflected to its right in northern hemisphere, kahile ar bhabo eta emiti jauchi the right side ku eta hi jibo tara, ebe semti adu ku deflect kari jibo, ye adu ku deflect kari jibo, ye adu ku deflect kari jibo, deflect hai ki rotation ta hochi kono anti clockwise rotation बुझुचन, बिकज अफ कोरियोलिस फोर्स एमती जीवा पई चाहूची, बट दिस वुड बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, एमती रिफ्लेक्ट है जीवो बुझुचन, सो दिस वन वुड बी आल्सो गॉट डिफ्लेक्टेड, दिस वन गॉट डिफ्लेक्टेड, सेमती हाई प्रेशर रे कोन हबो, लेट्स से दिस वुड बी हाई प्रेशर, विंड कोन करबो डाइवर्स करियो सेंटर रो बाहर को जीवो, जेतले सेंटर रो बाहर को जो पनी राइट को तर राइट भाबो ए एमती जीवा पई चाहूची तर राइट हेलाड को डिफ्लेक्ट है जीवो, तो ये एमती तो सीधा जाई परो इट वुड बी डिफ्लेक्टेड, सो इट वुड बी क्लॉकवाइज रोटेशन, तेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एनएच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे इट वुड बी क्लॉकवाइज रहइबो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स बुझिबोसन, सो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये कोन करूची राइट एंड लेफ्ट जहां भी तुम्हारा फॉर्मेशन हो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स रो इफेक्ट जो को दिस वन वुड बी इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स है ना, तो ये रहइबो सिंपल आउथरे कहि देबी जदि अच्छा समस्त बुझा पड़छ ना को कहि को रिपीट करिबो जित कहबो रिपीट कर देबी हेइ जो रिपीट करते हो उधर ठीक अच्छे जानते देखो पूरा सिंपल मु कहू लो प्रेशर, लो प्रेशर कहा को कहा जो एटमॉस्फेरिक
कौन आम कह कंडीशन कंडीशन कम थाए कौन एयर रो कंसेंट्रेशन कम थाए सिंपल हाई प्रेशर लो प्रेशर डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन है ना तुम कौन कंसेंट्रेशन ऑफ एयर जदि एयर रो कंडीशन अधिक अच्छी कंसेंट्रेशन हाई अच्छी इफ एयर कंसेंट्रेशन इज हाई देन इट वुड बी हाई प्रेशर इफ एयर कंसेंट्रेशन इज लो देन इट वुड बी लो प्रेशर ओके प्रेशर सिंपल फॉर्मूला है कि प्रेशर ऑलवेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ एयर कहले सिंपल एयर मास हियर इट वुड बी एयर मास ना जदि एयर कंसेंट्रेशन लो अच्छी देन इट वुड बी लो प्रेशर जदि एयर कंसेंट्रेशन कौन सी जगह हाई अच्छी देन इट वुड बी हाई प्रेशर नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन व्हाट टेम्परेचर सिंपल हम कहबा The concentration of air is depend on temperature. That is why high the temperature, jodi ame temperature ko high karuche, tale pressure kon hobo low hobo. Bujhuchan. Semti jodi ame low the temperature, temperature ko jodi ame low karuche, tale pressure ta kon hobo high hobo. So this would be condition between the ame kahiba temperature and pressure. Tumi jodi goti side re tumi likhi debo, that say temperature ethi likhilo. गोटे सैड्र प्रेसर लिखल तो कंडीशन कौन मिले जब टेम्परेचर प्लस बाय हाई अच्छी देन प्रेसर टा लो होन इट वुड बी लो प्रेसर जदि यहाँ तुम हाई रही टेम्परेचर हाई अच्छी तेल प्रेसर टा लो रमी जी आपको आम लो करदे देन इट वुड बी हाई तो ये रोर कौन अपोजिट रिलेशन इनवर्स रिलेशन ये लिखा ताले ये सिंपल दिस वन ताले कौन कौन टेम्परेचर उपर बेस करुचे आज दिस वन इज टेम्परेचर द बेस्ड ऑन टेम्परेचर तो एयर कंडीशन और द कंसेंट्रेशन सिंपल जो कंसेंट्रेशन थाए ये डिपेंड करे टेम्परेचर उपर तेणु टेम्परेचर टाक आम मन रखा दरकार जी हाई द टेम्परेचर लो द प्रेसर लो द टेम्परेचर हाई द प्रेसर बट आउ गोटे जिनस मुझे एक्सेप्शनल कंडीशन जो तुमको कौन देखा एक्सेप्शनल कंडीशन कौन है High the temperature. Here would be high the temperature, but high the pressure. Pressure मध्य high रही बो. इटर है बो exceptional condition. बुझोसन. जिम्मेदी for example, I was talking about the pressure cooker, है ना? तो pressure cooker कौन थे? As the temperature also rising, but the pressure also rising. तो लेटी कौन? Both positive relation हमको देखा चलो. Both positive relation. तो बस इतनी की तुमको दरकार. बुझोसन. इतनी की जान ले तुम्हारे जिधे pressure बुझी गया लो, ताले आउ climate रे किसी problem हो गई. थर्मल कंडीशन दिस इज कॉल्ड एज थर्मल कंडीशन और थर्मली इंड्यूस्ड और थर्मली इंड्यूस्ड और आपको हमें कौन कहेगा थर्मली इंड्यूस्ड पहले टेम्परेचर इज द फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर दैट इज व्हाई इफ टेम्परेचर इज द सोल फैक्टर देन इट वुड बी टर्म्ड एज द थर्मली इंड्यूस्ड बुझिपरसन फॉर एग्जांपल लेट्स से पोलर रीजन रे मी कहू जे पोलर रीजन इज ऑलवेज कोल्ड कंडीशन ऑलवेज कोल्ड दैट इज व्हाई इट वुड बी हाई प्रेशर ताले दैट मींस थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर ताले हमें ताको कहबा थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर लेट्स से इक्वेटर इज ऑलवेज हाई टेम्परेचर then it would be high the temperature low the pressure that would be thermally induced low pressure the latter of thermally induced low pressure because these high pressure and the low pressure they are formed on the basis of temperature of the respective places now we have to know thermally induced now if any reason does not apply if that reason does not apply this condition thermally induced jodi apply ho ni then automatically it would be dynamically induced high pressure or low pressure now doubt how to say which part mean this one bujha padiba na thermally induced kale where temperature is the sole factor for the formation of the bujhi parthani pressures high pressure hai pare kimba low pressure hai pare बट जदि आम देखुचे टेम्परेचर व्यतीत आउ किसी फैक्टर्स रोची लेट्स से फॉर एग्जांपल ना हियर वुड बी जदि आम आपको अर्थ को देखा हियर वुड बी हाई प्रेशर पोलर रीजन रे ये रहो तुम हाई प्रेशर सो दीज हाई प्रेशर्स आर थर्मली इंड्यूस्ड थर्मली इंड्यूस्ड ना व्हाई बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज द फैक्टर कारण ये वर्षा सारा थ्रू आउट द ईयर इट वुड बी कोल्ड कंडीशन ये कंडीशन देखा देन व्हाई थ्रू आउट द ईयर दिस रीजन इज कोल्ड कंडीशन
बिकज अफ लेस रेडिएशन एटी जी अबा इनसोलेशन एटी आम कौन कह इनसोलेशन लेस इनसोलेशन सोलार इनसोलेशन बहुत कम प्लस रेडिएशन अधिक रेडिएशन अधिक बुझे मोर रेडिएशन बट लेस इनसोलेशन टेम्परेचर टा कौन नेगेटिव टेम्परेचर टा नेगेटिव ऑन द टॉप ऑफ दैट अल्बेडो कौन रही तुम अल्बेडो अल्सो हाई हाई अल्बेडो प्लस एटी तुमको आइस अच्छी वर्ष सारा तो अल्बेडो को आहरी बढ़ाऊ बिकज स्पेरिकल सेप भी अच्छी तो ये सब फैक्टर क्यूमुलेटिव फैक्टर कौन करुची थर्मली इंड्यूस्ड करुची दैट इज व्हाट दिस रीजन इज हाई प्रेशर बुझ पड़ता सेप जिओर सेप रही दैट इज व्हाट लेस इन्सुलेशन आइस अच्छी मोर अल्बेडो देन आउ गोटे जिनस तुम रहा डे नाइट रो टाइम द टाइम और ड्यूरेशन जदि आम एटी ड्यूरेशन देखा ताले डे रे ड्यूरेशन कम नाइट रे ड्यूरेशन अधिक सो दैट मीन्स हम कह जो रिसीव टाइम टा जदि 2 आवर्स होची द लिविंग टाइम टा होची 4 आवर्स बुझ पड़ता दैट मीन्स ओब्वियसली द नेगेटिव टेम्परेचर हम ना जी समय टेम्परेचर रिसीव करुची ताठू अधिक समय से रेडिएट बैक करुची बुझ पड़ता दैट इज व्हाई समर कहीं टेम्परेचर अधिक लगे कारण समर तुम 14 घंटा हो दिन 10 घंटा हो राति तो दैट मीन 14 घंटा अर्थ रिसीव करुची 10 घंटा छाड़ुची तो इट वुड बी सरप्लस टेम्परेचर बुझिपड़ता शीत दिन तार उल्टा 14 घंटा राति 10 घंटा दिन हो रेडिएशन टाइम टा बढ़ी सरफेस टा कूल हो जाए तो ये सेम कंडीशन हियर वुड बी द लेस दैट मीन हमें कहवा जी समय से रिसीव करुची अधिक समय से छाड़ुची टेम्परेचर को दैट इज दिस विल बी कोल्ड तो ऑल टुगेदर हमें कहवा ऑल दैट फैक्टर क्यूमुलेटिव फैक्टर लीड्स टू द हाई प्रेशर फॉर्मेशन तुमको हाई प्रेशर फॉर्मेशन दैट मीन्स दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर कौन कौन फैक्टर्स लेट से आम इक्वेटर को आसिले इक्वेटर लो प्रेसर आपको आम कौन कौन आपको आउ कौन कहुए डोलड्रम आपको मध्य आउ कौन कहुए डोलड्रम और इक्वेटर लो प्रेसर कही पार और दिस इज ऑल्सो ITCZ ये मध्य तुम्हारो ITCZ डोलड्रम इटसेल्फ ITCZ कारण ITCZ टा भी डोलड्रम रे थाए बुझ पार्छे तो ये ITCZ आम डिस्कस करते इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ना दिस डोलड्रम रो मीनिंग होची साइलेंट सिंपल डोलड्रम रो मीनिंग होची काम है ना तार मीनिंग होची काम है ना ये रीजन टा होची गोटे काम रीजन ताले ये रीजन केते 5 to 5 0 to 5 पहले 5 north 5 river south दिस मच एरिया इज कॉल्ड एज द डोलड्रम एरिया itself the meeting point of ITCZ hai na intertropical convergence zone now ye region itself a low pressure itself a low pressure now this low pressure again thermally or dynamically it would be thermally obviously thermally to ethi kon pai because throughout the year this region is receiving the insolation jo amara insolation achi ये वर्ष सारा हाई इन्सुलेशन रिसीव करुच्छे बिकॉज़ ऑफ़ इट्स लोकेशनल फैक्टर आर लोकेशनल फैक्टर जो आज दिस वन इज लो लैटिट्यूडनल लोकेशन सन अपेरेंटली कुड मूव टू 23.5 एंड 23.5 दैट मीन्स दिस रीजन वेर एवर सन वुड बी थ्रू आउट द ईयर दिस रीजन विल रिसीव द बट इन्सुलेशन इट्स नो डाउट कौटी भी सन था ये रीजन सब इन्सुलेशन रिसीव कर हेन्स इट विल प्रोड्यूस व्हाट दैट टू बी लो प्रेशर ये गोटे प्रोड्यूस करुच्ची लो प्रेशर करुच्ची दैट इज व्हाई थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर एंड प्लस ड्यूरेशन जदि तुम देख आर ड्यूरेशन ऑफ इन्सुलेशन रिसीव करुच्ची वर्ष सारा हाई बुझे इधर इक्वाल हम इक्वाल और हाई ये गला तुम दैट इज व्हाई दिस वुड बी नाउ जदि आम देन हाई प्रेशर को आसपा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर then we called is subtropical high pressure now this subtropical high pressure is how did this one formed how does this form this form because of dynamic effect this one is dynamically formed tale ko ami kon kahiba dynamically formed kon pai because of the rotation of earth ethar kon hochi rotation of earth hana to rotation of earth ko upper air ethi kon karuchi descend karuchi अपर एयर इज डिसेंडिंग ऑन दिस लैटिट्यूड कुछ बस एटा देखै थिलु लास्ट टाइम डायग्राम पर कि एज द अपर एयर इज डिसेंडिंग नाउ डिसेंडिंग विंड कोन करे मु तुम कहितली डिसेंडिंग विंड हाई प्रेशर फॉर्मेशन करे तार उल्टा होची तमरो
ଆସେଣ୍ଡିଂ ୱିଣ୍ଡ ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ମେସନ୍ କରେ। ଧ୍ୟାନ ସେ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ୱିଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହାଇ ପ୍ରେସର। ତମକୁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆର ରିଜନ କ'ଣ? ରିଜନ ହେଉଛି ଏୟାରର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏୟାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅଲୱେଜ୍ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିସିଭିଂ ଦ ଏୟାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ କନ୍ସେ। ମୁଁ ତମକୁ ଇନିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲି କି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର। ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଏୟାର ଯେତେବେଳେ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦିସ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ରିସିଭିଂ ମୋର୍ ଏୟାର, ବା ଏୟାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହାଇ ପ୍ରେସରରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ଲୋ ପ୍ରେସର ଯେଉଁଠି ୱିଣ୍ଡ ଯିବ ସେଠି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିଯିବ, ସୋ ହିୟର୍ ଏୟାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିବ। ତ ଇଏ ରହିବ ତୁମର ଡାଇନାମିକାଲି ଫର୍ମଡ୍ ହାଇ ପ୍ରେସର। ଦେନ୍ ଆଗେନ୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋ ପ୍ରେସର, ସପୋଲାର ଲୋ ପ୍ରେସର, ଇଏ ରହିବ ତୁମର ସପୋଲାର ଲୋ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଦିସ୍ ସପୋଲାର ଲୋ ପ୍ରେସର ଆଗେନ୍ ଡାଇନାମିକାଲି, ଇଏ ଫିର୍ ବି ଇଏ ରହିବ କ'ଣ ଡାଇନାମିକାଲି ଫର୍ମଡ୍। ନା ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡାଇନାମିକାଲି ଫର୍ମଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍। ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା ବି ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ଦିସ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ ଫର୍ମିଂ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏୟାର ମାସେସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଫ୍ରଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ, କୋଲ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ୱାର୍ମ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ପୁଣି ସେ ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍କୁ ଯାଉନି, କୋଲ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା ନା? ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ କିଏ ଫର୍ କୋଲ୍ଡ ଲେଖିବ ସିମ୍ବଲ, ହେଲା ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାର୍ମ। ତ ଏତିକି ରହିବ ତୁମର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ରହିବ ତୁମର ହାଇ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଲୋ ପ୍ରେସର। ନା ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ତୁମର ଫିଗର୍ସ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ନା କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେ ଦରକାର, ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 27 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଅର୍ ସିମ୍ପଲ ତୁମେ କହିବ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ଓସନ୍, ଅର୍ ସିମ୍ପଲ ୟୁ ମେ ସେ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ଓସନ୍ ଅର୍ ଲାର୍ଜ ୱାଟର ବଡି। କେତେ ରହିବା ଦରକାର, 27 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ITCZ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ITCZ ରହିଯିବ, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ଅର୍ ସିମ୍ପଲ ତୁମେ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ, ୱିକ୍ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ଫୋର୍ସ, ୱିକ୍ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ଫୋର୍ସ, SHEAR। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଅପର ଏୟାର ସର୍କୁଲେସନ ଡାଇଭର୍ଜନ, ଅପର ଏୟାର ଡାଇଭର୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ 420 ଡିଗ୍ରୀ, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଥିଲା 4 to 22 ଡିଗ୍ରୀ, ହେ ନା? ଇଏ ରହିବ ତୁମର କଣ୍ଡିସନ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ। ହଁ, କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଲେଖିଦେଲେ, ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ଇଏ ତୁମର କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ITCZ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ, ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ମିନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ଦରକାର, ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ITCZ ଦରକାର, କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଦରକାର, ୱିକ୍ ୱିଣ୍ଡ ସିଓର ଫୋର୍ସ ଦରକାର, ଅପର ଏୟାର ଡାଇଭର୍ଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ନା କିଛି ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଲୋକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଲୋକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ତ ଲୋକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଇଠି କହୁନି କି ଦରକାର ବି ହେବନି ତୁମର ଏତେ, ନା ଲୋକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ସେଠି, ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ସର୍ଫେସ୍ରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ, ପ୍ଲସ୍ ରେମନାଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ, ହେ ନା? ରେମନାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଯେମିତିକି ତମର ଟାଇଫୁନ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲା ନା? ସାଉଥ ଚାଇନା ସିରେ ଟାଇଫୁନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇଫୁନ୍ ତାର ଯେଉଁ ରେମନାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ବେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସେ, ତ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଗେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଏଠି, ତ ରେମନାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇଫୁନ୍ ଅଲସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଟାଇଫୁନ୍ ତ ବୁଝିପାରିବ, ଏ ଯେ ତୁମର ଟାଇଫୁନ୍ ଥାଏ, ଟାଇଫୁନ୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଇନ୍ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି, ତ ତାର ଡେଥ୍ ପରେ ତାର ଯେଉଁ ରେମନାଣ୍ଟଟା ଥାଏ, ରେମନାଣ୍ଟ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ହେଲା ନା? ରେଜିଡୁଆଲ ପାର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ରେଜିଡୁଆଲ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଯେ ଘୁରିଗଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର। ଇଫ୍ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଥ୍ରୁ ଦ ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଗେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ଆଣ୍ଡାମାନ ସିକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସିର ଅଧିକ ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସୋ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ ରେମନାଣ୍ଟ ଦେ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଟୁ ଦ ବେ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଅଲରେଡି ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଇଏ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଲରେଡି ଆମକୁ
सैटिस्फाइड अच्छी एंड दीज आर कमिंग दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन। और ये गोटे फैक्टर कहीं बेयर जंगल अधिक साइक्लीन फर्मेसन हुए जिते क्वेश्चन पचारे कहीं हुए तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। लार्ज वाटर बॉडी नहले कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन रो जो एटीपी जहाँ आम कहे बुझी पार्चना तो आर जो मतलब पावर हाउस मॉइस्चर सिंपल तो दैट मीन्स तुम फैक्टर आउ गोटे लिखी पार मॉइस्चर है ना कंडीशन तो बहुत दरकार बुझे लैटेंट हिट लिख से लिखुनि बुझे तो मेन मेन गुड़ा लिखुच्छे लिखुनि लैटेंट हिट रहा दरकार मॉइस्चर रहा दरकार तुम गोटे थ्रस्ट इनिशियल थ्रस्ट गोटे दरकार तो बहुत गुड़ा फैक्टर अच्छे से गुड़ा कहूनी दरकार नहीं तुम एति एनफ तो ये कौन होता है कि एक तो तुम जो कहली कि दिज आर द कंडीशन जो सैटिस्फाइड जो कर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हम तापर गोटे थ्रस्ट दरकार जमी भाव पेट्रोलटा पेट्रोल तो तुम जानते जली से जलूनी कौन तक गोटे थ्रस्ट दरकार इनिशियल इग्निशन और टिके डीएसएलई मारे इग्निशन मिलगला तो ये भी सेमती ट्रॉपिकल साइक्लोन भी विद द गिवन कंडीशन इफ दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड ऑन द टॉप ऑफ दैट गोटे इग्निशन दरकार जहाँ को आम कहू अक्लिपमेंट के सडन अक्लिपमेंट गोटे जमी रॉकेट पे गोटे थ्रस्ट दरकार से थ्रस्ट गोटे दरकार और तापी गोटे जमी सी सरफेस रे गोटे लो प्रेसर रहा दरकार लेट्स से लैंड रे कहे लैंड रे गोटे गोटे लो प्रेसर थाए गोटे गोटे हाई प्रेसर थाए सेमती वाटर रे भी थाए वाटर रे भी कोठी गोटे टेम्परेचर अधिक थाए गोटे गोटे कम थाए वाटर टेम्परेचर जो होगा 28 हो गला तो सी ताको कौन कहला 28-29 जो कोठी ओकेजनल हो गला देन दैट वुड बी द थ्रस्ट से ताको थ्रस्ट प्रोवाइड करे इनिशियल गोटे थ्रस्ट ताको दबो एंड देयर दैट विल फॉर्म बुझिबस तो ताको गोटे थ्रस्ट दरकार इनिशियल थ्रस्ट अदरवाइज से फॉर्मेशन हो पारिबो नहीं ता सेइटा हला लोकेशनल फैक्टर सॉरी लोकल फैक्टर दैट वुड बी लोकल फैक्टर जेंति आइलैंड अछि तो आइलैंड ऊपर कौन है जो आज अदर रीजंस आर द वाटर आइलैंड विल हैव मोर टेंपरेचर रादर देन द बुझिबस बिकॉज़ वाटर इज ऑलरेडी हैविंग द हाई स्पेसिफिक हीट लेट्स से चारि पटे तमरो कौन है जो वाटर है जो मझरे गोटे आइलैंड रही छि एंड हियर वुड बी गोटे लो प्रेशर फॉर्मेशन हे गेला दैट लो प्रेशर विल शिफ्ट ओवर द वाटर को आसी गेला नाउ इट वुड बी टर्न इनटू द ट्रॉपिकल साइक्लोन तना ताकू थ्रस्ट मिलि गेला बुझिबस ऑलरेडी कंडीशन सेट हे गेछ तो गोटे सपोज गोटे छोटिया स्मॉल आइलैंड अच्छी और ये आइलैंड टा कौन हो सराउंडिंग रीजन अनुसार इट वुड बी कंपेयर टू द दिस वुड बी लो प्रेशर कारण वाटर टेम्परेचर सब कम रही है लैंड टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट जल्दी से कौन गरम हो तो जल्दी लो प्रेशर टा हो दैट लो प्रेशर एनी कॉस्ट एनी बाय चांस दैट कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर से पास हो गला और से जो आइलैंड अधिक था ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिक फॉर्मेशन हुए जमी साउथ चाइना सी इंडोनेशिया अधिक फॉर्मेशन होती कौटिना कौटी आइलैंड और ट्रॉपिकल साइक्लोन भितर रिलेशन अच्छी जमीक आंडामन सी बहुत बड़ा आइलैंड अच्छी तो सही कहीं फॉर्मेशन होती कहीं हो बुझे तो आइलैंड फॉर एग्जांपल कैरिबियन सी कथ नहीं आइलैंड अच्छी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होती तो जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड रोज से आखपाखे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हम बिकॉज़ ऑफ दिस इग्निशन मिल गोटे थ्रस्ट दरकार इनिशियल थ्रस्ट तो सही से आइलैंड प्रोवाइड कर बुझिपार तो दैट इज वाय जो आइलैंड थी गोटे कंडीशन फर एक्जाम्पल लाक्षाद्वीप इधर तुम न्यूज शुणी आंडामन सी रे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हम ना लाक्षाद्वीप पाखे भी बुझिपार कारण बिकॉज ऑफ दैट आइलैंड फैक्टर एंड लोकल फैक्टर्स तो दीज आर द फैक्टर्स डिस्कस करते वाटर को जब तुमको कह जो मॉइस्चर के सिग्निफिकेंस ऑफ मॉइस्चर मॉइस्चर ना साइक्लोन हो पार ना बुझिपार तेणु एथे कौन थाए अच्छा ये तो 27 डिग्री सेल्सियस तो हो आईटीसी तो बुझी सारे कोरेलिस वेस होती विक्स एयरफोर्स कहते बोधे विक्स एयरफोर्स कौन कही सिंपल मुझे विक् सीयर फोर्स ना प्रेसर ग्रेडियंट अधिक नुह से कथा मुझे प्रेसर वर्टिकल विंड स्पीड टा जदि कम रहउची लेट से एटा तमरो 1 किलोमीटर देन 2 किलोमीटर अल्टीट्यूड 3 किलोमीटर 5 7 10 एमपी चलना जदि इफ इंक्रीजिंग विथ अल्टीट्यूड द विंड स्पीड इज इंक्रीजिंग देन दैट इज नॉट गुड दैट मींस एटा होरो तमरो हाई शियर फोर्स जदि लेट से 10 किलोमीटर जाय विंड स्पीड यूनिफॉर्म अछि लेट से
5 किलोमीटर लेट से पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर यूनिफर्म अच्छी तेज़ वीक शेयर फोर्स बुझे लेट से 5 किलोमीटर 10 लेट से एट द हाइट ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ 5 किलोमीटर द विंड स्पीड इज 20 एट 10 किलोमीटर इट वुड बी 40 देन 60 ए हाई शेयर फोर्स बुझे पड़ता दैट मीन विंड र स्पीड वेरिएशन जो कम रही दैट वुड बी वीक शेयर फोर्स तक यार कम कौन आर काम होला सिंपल लेट से ये रहला वाटर सरफेस ये मॉइस्चर बा क्लाउड फॉर्मेशन करके एठी रखिला तो विंड स्पीड जदि अधिक थे से ताको कोन करिवो ड्राइव करके नहीं पळेबो ताको रहे पे चांस ही दबनी से तथि पे कोन थे वीक शियर फोर्स हेले कोन हबो ना क्लाउड कैन स्टेशन फॉर द एटलीस्ट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम और द रिक्वायर्ड टाइम पे बुझि पड़छ न त से फॉर्मेशन नहीं परिबो से ताको ड्राइव करके नहीं जीवो तले से कंडीशन ता हेई परिबो नहीं वीक शेयर फोर्स कौन हो मॉइस्चर से गैदर हो ही धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन हो तार कंडीशन को क्रिएट कर देखो साइक्लोन आसिया पूर्व गुम हो कंडीशन पूरा देखो पूरा पूरा नियर बाय रीजन आखपाखे जो बिहार बंगल साइक्लोन फॉर्मेशन हम कोस्टल एरिया रे विंड स्पीड पूरा कम थी पूरा कम थी से फॉर्मेशन है स्पीड बढ़ देखो साइक्लोन फॉर्मेशन है विंड स्पीड अधिक नखपा एरिया पूरा काम थी जेमिति फॉर्मेशन है बढ़ी जीवो कहते नहीं कि कामनेस इज ऑलवेज बुझी पड़त है ना तो ये सेमिति तो दैट इज व्हाई वीक शियर फोर्स इज नेसेसरी ना बुझा पड़ो ने ना तो सेथे पे वीक शियर फोर्स इज रिक्वायर्ड ना बुझा पड़ो ने वीक शियर फोर्स कौन पे दरकार कने से कंडीशन टा अचीव करिवो से अदरवाइज क्लाउड ही रही परिवो ने सेठी ना कम्स टू द देखो इतरे बहुत देख प्रीलिम रे एते तो पचार डेस्क रे एते जाई की तो तुमको शियर फोर्स मु कहि देले अपर एयर कंडीशन एटा टिके बुझे दै छी ना अपर एयर कंडीशन रे कोन थाए एक्चुअली साइक्लोन रो गोटे कंडीशन कोन थाए लेट्स से ये तुमर गोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन रो मु आई ड्रा करले है ना साइक्लोन रो कंडीशन कोन थाए ऊपर थाए हाई प्रेशर एटा क्लाइमेट रो कंडीशन जदी तळे अछि लो प्रेशर देन अपर एयर ऑटोमेटिकली इट वुड बी हाई प्रेशर यदि ऊपर लो प्रेशर अछि देन बिलो वुड बी ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर ये कंडीशन मन रखो ऑलवेज बुझि पड़ फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूँ लेट से आम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर फॉर्मेशन देखुले एटी विंड कौन करुछि डिसेंड करुछि तले तले हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर बुझि पड़ छ तो एमिति जेमति कि एठी देख तमे इक्वेटर रे तले लो प्रेशर थिला ऊपर हाई प्रेशर तो ऑलवेज ये कंडीशन मेंटेन थाए बुझ पड़ सी कि जदि तुम ऊपर हाई प्रेशर तले लो प्रेशर आदि ऊपर हाई प्रेशर लो प्रेशर तले हाई प्रेशर एमती कंडीशन क्लाइमेट ये एमती रैंडम नहीं कि रट्टा मारूचे तो पूरा कनसेप्ट केमती देखियो लेट्स से लो प्रेशर अर्थात एयर विल राइज अप और कन्वेक्ट बुझ पड़ सी तो धीरे धीरे एयर कनसेंट्रेसन एटी कौन करुच इनक्रीज करुच एयर कनसेंट्रेसन इनक्रीज कले हाई प्रेशर हम तुमको ये एयर कनसेंट्रेसन कहीं इनक्रीज कर बिकज अफ कूल कंडीशन हियर एज द टेम्परेचर वी आर इनक्रीजिंग और मूविंग विथ अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड दैट मीन ये 10 डिग्री हिसाब से -10 डिग्री हिसाब से टेम्परेचर कम कारण ये एडियाबेटिक कंडीशन बुझ जदि नॉर्मल लैब्स रेट हम 6.5 अनुसार टेम्परेचर तुम कम एडियाबेटिक सिस्टम कम हुए 10 डिग्री अनुसार टेम्परेचर कम बुझे एडियाबेटिक नॉर्मल लैब्स भर डिफरेन्स जाना जान कौन तेल कह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हेले एडवेक्शन सेटा हेले हॉरिजॉन्टल मूव जदि करे ताकु कह जाय एडवेक्शन बुझि पड़छ नै गोटे हेले एडवेक्शन गोटे कंडक्शन गोटे कन्वेक्शन बुझि पड़छ नै गोटे हेले आउ कोन रहिबो एडियाबेटिक तले बि कोन सुनो नॉर्मल लैप्स रेट आउ एडियाबेटिक भितरे डिफरेंस कोन एडियाबेटिक हेला विथ द सिस्टम बस तमे एतिकि मनतो विथ द सिस्टम तले एडियाबेटिक रो अर्थत हेला एडियाबेटिक कंडीशन कौन थे ना एडियाबेटिक कंडीशन हेले कौन सिंपल गोटे बॉक्स ये भाव गोटे बॉक्स ये हेला एडियाबेटिक कंडीशन देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम और विद इन टू आउटसाइड आउटसाइड टू विद ये भले कंडीशन को कहा जाए एडियाबेटिक कंडीशन कहले भाव ये गोटे सिस्टम सिस्टम बाहर भितर बाहर को टेम्परेचर जीवन कि बाहर भितर को आसीबा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक कंडीशन हां बुझे आपको कह जाए एडियाबेटिक कंडीशन ये हेला कंडीशन ना एडियाबेटिक एक्सपेंशन आउ कंट्रैक्शन तापर ऐसे कौन एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंट्रैक्शन तले एक्स बुझ पड़छ कंडीशन तापर ऐसे तुम एक्सपेंशन क
कंट्रैक्शन ना कौन से सिस्टम को जब हमें ऊपर को उठेबा तले ऑटोमेटिकली इट विल एक्सपैंड कॉन्टेंट बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर कमिंग जिको बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमिबो तन करी तार वॉल्यूम बढ़िबो बुझि पर्छन सेथपे हम जेतेबे पहाड़ रे ऊपर को जाऊ जे देखबो कान नाक सब फाटला भले लागे कारण प्रेशर कमी जाए जेहेतु एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम आमर बॉडी रो प्रेशर ताठो अधिक होई जाए सेथमे ब्लीडिंग होई जाए बुझि पर्छन तो ये उसे फ्लाइट रे देखले देखो कान कान फाटला भले लागे नि फ्लाइट रे बसले इनिशियली जे बसिबो तो एडियाबेटिक कंडीशन हला कोनो ना देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर और आउटसाइड टू इनसाइड किछि चेंज होनि एक्सपेंशन अर्थात कोनो बाबो ये गोटे एडियाबेटिक बॉक्स जेते ऊपर को नबो ता साइज बढी बढी जीवो ता साइज बढी बढी जीवो आपको कह जे एडियाबेटिक एक्सपेंस एज द साइज इज इंक्रीजिंग दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन साइज काई बढुती बिकॉज ऑफ प्रेशर इज डिक्रीज कौन सी जिनसर प्रेशर को कमेले ओबियसली बढी जीवो जेंते कि बलून कथा नै छ तो दैट इज व्हाई दिस इज एक्सपेंशन आपको कह जे एडियाबेटिक एक्सपेंशन ना बुझा पड़े बनी पे धीरे धीरे साइज बढ़ुची सिस्टम रो ताले मु सेत पे तुम कहतली एक्सपेंशन कहले विद द सिस्टम अर्थात एज आई एम अपलिफ्टिंग द सिस्टम द वॉल्यूम इज चेंजिंग ताले विद द सिस्टम कहले विद इन द सिस्टम कहले विद द सिस्टम तण करी टेंपरेचर हियर जते बेले तुमरे दाले सिस्टम तो अपलिफ्ट होची ता टेंपरेचर विल डिक्रीज एट 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री अनुसार कमीबो बुझि पड़त माइनस 10 डिग्री अनुसार टेंपरेचर कमीबो तले ए भले जदी कमीबो आको कहजे एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेंपरेचर विल रिड्यूस 10 डिग्रीज बट आउ गोटे हला तमरो नॉर्मल लैप्स रेट भितरे ए बेसिक डिफरेंस गोटा जानिबा बहुत जरूरी ना नॉर्मल लैप्स रेट कोन बे विद इन द सिस्टम अर्थात मु बॉक्स भितरे अछि एंड आई एम मूविंग ध्यान से सुनो दिस वन इज ए बॉक्स एंड आई एम मूविंग विद इन द बॉक्स आई एम मूविंग विद इन द सिस्टम एंड इफ टेंपरेचर डिक्रीजिंग दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट नाउ जा पड़ो ना That is normal upset. That means it would be 6.5 degree. Well, ye within the system, that is with the system. Now, what is happening? Basic difference. This is within the system, that is with the system. Here is a basic difference between adiabatic and normal upset. Sir, NL at adiabatic comparison ne tike bujhi hone. Normal le to bujhi hoche, kintu a comparison ne kon jani hone? Mane kon asubidha kothi hoche? Within system and with system to bujhu within system kon oh mu kahili suppose bhabo gote eta aro dimension hela 20 feet aro height or 200 negli bhabo 200 meter e box ta achi box ro height huchi 200 meter thik achi 200 meter ebe jodi 200 meter altitude mu move karuchi within the tale eta gote air parcel simple tumako eta kon gote to ghar no air parcel एयर पर्सन तार गोटे लेंथ अच्छी तार गोटे ब्रेथ अच्छी तार गोटे हाइट अच्छी बुझी पड़ सकते तो आम कह गए एयर पर्सन ये एयर पर्सन लेट से ये 1000 मीटर आर हाइट बा 1 किलोमीटर तार अल्टीट्यूड एयर पर्सन दैट मीन्स मु एयर पार्सल को अपलिफ्ट करौनी मु एयर पार्सल भितर मूव करूची बुझी पड़ सी सो इन दैट केस टेम्परेचर विल रिड्यूस माइनस 6.5 डिग्री अनुसार तुम कह ठीक टेम्परेचर कहीं रिड्यूस कर क्वेश्चन कहाँ से तो ठीक अच्छे एक्सपेंशन हो गला टेम्परेचर रिड्यूस कर टेम्परेचर रिड्यूस कर टेम्परेचर रिड्यूस कर कारण है कि तुम अर्थ को सरफेस को लगे एयर पार्सल बुझिपार एयर पार्सल इज अटैच टू द सरफेस एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंडक्शन ये कौन हो कंडक्शन हो कि नहीं कंडक्शन हवा द्वारा जो लो लेयर रो टेम्प जो एयर रो टेम्परेचर अधिक सेति पे हम जितलो खरा दिने मूव करूचे तळ टेम्परेचर अधिक थाए खरा जो विंड रो ऊपर को पळ दि मंगा दशमलव ऊपर को देखबे तमे टेम्परेचर कमी जीवो जो विंड ता फ्लो करूची तरे टेम्परेचर कमी जाए कोन पे बिकॉज़ ऑफ द कंडक्शन एठी कोन होची कंडक्शन होची एज द कंडक्शन इज हैपनिंग सो एयर पार्सल क्लोज टू दोस एयर पार्सल क्लोज टू द सरफेस दैट विल हैव मोर टेम्परेचर हां कि नहीं एंड जेतो हम ऊपर को जीवा ओबियसली कमीबो तले एटा विद इन द हमें होची बॉक्स और विद इन द पार्सल बुझि पड़छ नि तेटी कंडक्शन कमी कमी जीवो ता आधार कोन हो जीवो टेंपरेचर कमीबो तो दैट इज व्हाई दिस वुड बी 6.5 डन बुझि पड़छ सर तले हमें एटा कोई परिवा कि एडियाबेटिक ता गुटे होल सिस्टम आउ एनएलआर ता एडियाबेटिक सिस्टम रो गुटे कंपोनेंट
ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ତମେ ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ, ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଇଏ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମଟା ଅପଲିଫ୍ଟ ହବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତମେ ପ୍ରେସର ପୁଟ୍ କରିବ, ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର, ସପୋଜ ଭାବ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏୟାର ମାସ ତାର ଆସୁଛି, ସେଠି କୋଲାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯିବ ନା, କୋଲିସନ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫିଜିକାଲି ବୁଝିପାରିଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ ବିକଜ ଅଫ ଆଜ୍ଞା ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ, ନହେଲେ ଓପନିଂ ଅଫ୍ କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦାଟ ହଁ ଇଜ୍ ସାର୍, ଦି ଏବେ ସ୍ଟେପ୍, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ତ ଦାଟ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଦାଟ ୱୁଡ୍ ବି ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ତାକୁ ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଆଡିଆବେଟିକ, ସେଥିପାଇଁ ତମର ତ ମନସୁନାଲ ରେନ୍ଫଲ ହେଉଛି, ଇଏ ଆଡିଆବେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଦାଟ ୱିଣ୍ଡ ୱିଲ୍ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଫିଜିକାଲି ଅପ୍ଲିଫ୍ଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲି ଅପ୍ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଆଡିବିଡିଙ୍ଗ। ହଁ ଦାଟ ମିନ୍ସ ଦ ହୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ଅପ୍ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି, ତ ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡନ୍। ଅପର ଏୟାର ଏବେ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଜାଣିଛ ନା ଟେମ୍ପରେଚର, ଆଉ ଯଦି ତମକୁ କୁହାଯିବ କି ୱାଇ ଦେନ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମସ୍, 22 to 25, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ କାହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନା, ହିୟର ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଲାଇକ 4 to 22 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେନ୍ ୱାଇ ନଟ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦାଟ, ୱାଇ ନଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦାଟ, ନା ମୋ କହିବା କଥା ଲେଟ୍ ସେ 0 to 4 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାଟ ଜୋନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମେସନ, ନିଦର ତମର 22 to 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ବି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେନ୍ ୱାଇ ନଟ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ହାଇ ପ୍ରେସର, ତ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ତ ଲୋ ପ୍ରେସର ଦରକାର, ତ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଗଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, ଆଣ୍ଡ ହିୟର ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ଲିଷ୍ଟ, ତମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ଏଠି ରହିବ ଲିଷ୍ଟ କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ରୋଟେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ରୋଟେସନାଲ ଇଫେକ୍ଟ, ନହେଲେ ରୋଟେସନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ନା, ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ରୋଟେସନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେ ତମକୁ କୁହାଯିବ ହଁ ଯେ ରୋଟେସନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇଦର ଦାଟ ୱୁଡ୍ ବି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ମୁଁ କହିଲେ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ଲୋ ପ୍ରେ ପକ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଯେ କହିଦେବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି କହିଥିବି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ, ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ, ହଁ ସେ ଠିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି କହିଦେଇଛି ମାନେ କହିପାରିବନି ଆମେ ସାର, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମିନିଂ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା କହି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାଇଁ ହାତରେ ଦେବି, ହଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ ବଟ୍ ସେଟା ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହଉ ଶୁଣିଦିଅ ତାହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭର୍ଟିକାଲ ୱିଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି କୋରେଲି ମାନେ ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ କହିଦେଉଛି ଶୁଣିଦିଅ, ବାସ୍ ଆକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁକ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଲେଟ୍ସ ସେ 90 MPa ଅଛି ପ୍ରେସରଟା, ତାହେଲେ ବାହାରେ କେତେ ଥିବ 100, ତାପରେ 110, 100 କେମିତି ବଢି ବଢିଯିବ, ନହେଲେ ହାଇ ପ୍ରେସର ହେବନି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଆଜ୍ ଆଇ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଫେରି ଫେରି ପ୍ରେସର ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ, ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ପ୍ରେସର କମିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲୋ ପ୍ରେସର ନା, ଏୟାର ତାହେଲେ ତମେ କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସର କାମ କ'ଣ, ସପୋଜ ଭାବ ଏ ୱିଣ୍ଡଟା ଯଦି କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ନଥାନ୍ତା, ୱିଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଚ୍ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବ ସେ ଗ୍ୟାପକୁ, ତା ସେ ତ ଆଉ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇପାରିବନି, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ କରେ, କୋରିଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଉ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଲୋ ପ୍ରେସର ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଲୋ, କିଏ କହିଥିଲେ ଆନ୍ସର ଏ ଅନିତା, ଏଇ ଆନ୍ସର କହିଥିଲେ, ହଉ ସେଇ ଆକୁ ପଚାର କହିବ, ଦେଇଦେବି ଆ ସେମିତି ଯଦି ସେ ଖାଲି କହିବ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଦେଖ ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତ କି ପ୍ରେସର ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଆଜ୍ ଲୋ,
ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବେ କିଛି। ତାହେଲେ ଦାଟ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସୋ ଦାଟ ମିନ୍ସ ଇଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଲୋ, ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେ ତାକୁ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସେ ଲୋ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଟେସନାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଦିସ୍ ଗୁଡ଼ ବି ରିମେନ୍ ଲୋ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେବନି ବା, ସେ ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଏୟାର ମାସେସ୍କୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଯିବ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓବିଏସ୍ଲି କୋ ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ସ ହୁଁ। ତ ଇଏ ରହିଲା ତମର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଅପର ଏୟାର ଡାଇଭର୍ସନ ହେ ନା, ଏସବୁ ହେଇଯିବ। ଏବେ ହେଇଯିବ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ଥିଲା। ନାଉ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲିନର ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି ପାରାବୋଲିକ ପାଥରେ ମୁଭ କରେ ସେ, ହେ ନା, ପାରାବୋଲିକ ପାଥରେ ମୁଭ କରେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲିନ୍ସ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଭ କରେ? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ କରୁଛେ ନା ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ? ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ସର୍ଫେସ୍, ଏ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ। ଯଦି ତାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ତମେ ଦେଖିବ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲିନର, ଇଏ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ଟିକେ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ଟିକେ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଇକି। ଆଉ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ସର୍ଫେସ୍ କୋ ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ସ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କୋ ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଏ ନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ, ତ ତାଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ, ସେ ଜାଣିଛି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି। ନା ନା ହାଇ କରିଛ, ହଁ ବଢ଼ିବ ଉପରକୁ। ତାର ରିଜନ ହେଲା କି 22 ରୁ 25 ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମେସନ ହେବନି ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ପ୍ରେସର। କାହିଁକିନା ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଲୋ ପ୍ରେସର, ଅତ ସେ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ରହିଲା ତମର କେତେ, 0 ରୁ 4 ଏଥିପାଇଁ ହେବନି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କୋ ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ସ, ହେ ନା, ଏଥିପାଇଁ ଏ ଫର୍ମେସନ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟା ରହିଲା 22 ରୁ 4, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜୋନ୍ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ, ଇଏ ତମର ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମେସନ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେସନ ହେଉଛି 17 ରୁ 22, ବାସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ 17 ଟୁ ଆମେ ଦେଖିବା 22, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ରହିବ, ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ହାଭିଙ୍ଗ 480 କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେଲ୍ଟାସ୍, ଡେଲ୍ଟାସ୍ କ'ଣ କରେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କୁହ, ଡେଲ୍ଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଡେଲ୍ଟା ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ମ ସ୍ମଲ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଲୋ ପ୍ରେସର ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଲୋ ପ୍ରେସର ତାକୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ସେ ଲୋ ପ୍ରେସରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ହାଇ ପ୍ରେସରକୁ କେବେ ଯିବନି, ନା ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ମୁଭ୍ କରେ, ସେ କୋଲ୍ଡ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରେ, ସେ ଚାହିଁବ ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାର ହିଟ୍ଟାକୁ ତାକୁ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ତାର ମଶ୍ଚର ସପ୍ଲାଏ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଇଏ ରହିବ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ମୋର ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବାକି ଦେଖ ମେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମଶ୍ଚର, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି, ମାନେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଖାଲି ତମେ, ଅର୍ ଲେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେନ୍ସରେ ଆସିବ, ତମକୁ କହିଯିବ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ସିମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ, ଭାବ ଇଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ତୁମକୁ କହିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଲେଖିବ, ସାଇକ୍ଲୋନ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବନି ତମକୁ। ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହବ କ'ଣ, 27 ଡିଗ୍ରୀ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ, ଦେନ୍ ଆଡିଆବେଟିକ୍ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଡିଆବେଟିକ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଏଇଟା ଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନେ ପକ, ମଶ୍ଚର, ତାହେଲେ ମଶ୍ଚର ପାଇଁ ତ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମଶ୍ଚର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହିଟ୍ କ'ଣ, ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍, ବାସ୍ ଏ ବି ତମେ ଆପ୍ ଉପରେ ଲେଖିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତମ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ, ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ, ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ରହିବ, ମଶ୍ଚର ରହିବ, ଏସବୁ ଆଡିଆବେଟିକ୍ ବି ଲେଖିବ, କାରଣ ଆଡିଆବେଟିକ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର କରିବ, ଆଡିଆବେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆଇ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆଇ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଆଇ ଉପରେ ୱିଣ୍ଡ କ'ଣ କରେ, ଡିସେଣ୍ଟ କରେ, ଏ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଦିନ କି ସମ୍ ଏୟାର ଡିସେଣ୍ଟ ଓଭର୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲୋ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲେଖିବ,
କାରଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡିସେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଡିବେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆଡିବେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଯେମିତି ତମର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ରେ ତାର ଓଲଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଡିବେଟିକାଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡିବେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଅର୍ ଆଡିବେଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେ ଆଗେନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟେମ୍ପରେଚର 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନୁକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇସ୍ ଏଟା କାରଣ ଚିନୁକ୍ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡଟା ସେ ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଆରପଟେ ସାଇଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବ ଡିସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଡିବେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏୟାରଟା ଆଉ ମେଲ୍ଟ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇସ୍ ହିଟର୍ ବିକଜ୍ ଆଡିବେଟିକାଲି ଗଟ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଇଏ ସେମିତି ଆଡିବେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ପରେ ୟାର ଯେଉଁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ବି ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁକୁ ଲେଖିଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ବୁଝିପାରୁଛ ଆଡିବାଟିକ୍ସ ଲେଖିବ ତମର 27 ଡିଗ୍ରୀ ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ଲେଖିବ ଏକ୍ସପାନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମଶ୍ଚର ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କଥା ଲେଖିବ କାରଣ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ନହେଲେ ତ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେବନି ନା ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଦରକାର ବା ସବୁ ହିଟ୍କୁ ଲେଖିବ ବାସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସବୁ ହିଟ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେଥି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନଥାଏ ଯାହା ତମେ ବୁଝିଛ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଫନ୍ କଣ କହିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନୋ ୱାଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ମତଲବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେଜ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ମତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଇଜି ୱେରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଓରି ଗୁଡା ବୁଝେଇବାଟା ମାଇ ପ୍ଲେଜର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଆଜି ଜେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି କ'ଣ କହିଲ କେ ପ୍ଲେଜର୍ ହାଉ ମଚ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ୟୁ ଆର୍ ହାଭିଂ ୱିଥ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାୟଗଡ଼ା ହେଲା ତ ଯେଉଁ କାଲି ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଗାଇବି ହେଇଥିଲି ମତଲବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଆଉ ସବୁଥିରେ ମୋ ଦିମାଗ ଚାଲେ ମୋର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଦିମାଗ ଚାଲେ କାଲି କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମୋବାଇଲ୍ ସୁଟ୍ କଲା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କହୁନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗାଲି ଦେବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନି ମୁଁ ତ ବସିକି ଭାବୁଛି କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି ନହେଲେ ଅବିକା ଗାଲି ଖାଇବି ମୁଁ କହିବି ଏହି ନାଭିଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭାବି ଭାବି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁଠି ମୁଁ 150 କିଲୋମିଟର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ତ ସେ ବାଟରେ ପୁରେଇଦେଲି ଗାଡ଼ି ତ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ଠିକ୍ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ତ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ନା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଘର ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ମାଓବାଦୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ମାନେ ଲିଟରାଲି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ ତାର ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଫୁଲବାଣୀ ବୁଲିଛି କନ୍ଧମାଳ ପୁରା କନ୍ଧମାଳ ପୁରା ପୁରା ଯେଉଁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବେନି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପୁରା ଡେନ୍ସ ଏରିଆରେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତମେ ଦେଖିବ ପୁରା ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖାଟିକି ସଫା କରିଦେଉଛ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହଉଛି ସବୁ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହଉଛି ଉପରେ ସାର୍ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ମଣିପୁର ହବ କୋଉଦିନ ନା କୋଉଦିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତ ଏଇଥିରେ ନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ତ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବନି ତ ୱାନ୍ସ ହେଇଛି ରିଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବନି ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଘାଟି ନୂଆ ଘାଟି ଦେଇକି ଆସିଲି କ'ଣ କହିଲ ପାଲଘାର ନା କ'ଣ ପାଲଘାର 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 ସେ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ଯେଉଁ ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ ଆଗରେ 1% ବି ନୁହଁ ତାର ବେଲଘର ପାଲଘର ଦିଟା ଅଛି ବେଲଘର ଆଉ ପାଲଘର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଛୁ ଯାହା ବି ହଉ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜୀବନ ତ ମାନେ ଭୁଲରେ ବି ସେଇ ବାଟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ
ये जो डेंस फॉरेस्ट किसी ना खाली फॉरेस्ट आ गए जहाँ भी हो तो ट्रॉपिकल साइक्लिंग हो विंड पड़ी देखे जेट स्ट्रीम पे कही ना कही कही जेट स्ट्रीम के प्रकार जेट स्ट्रीम कही ना गोटे जेट स्ट्रीम को तुमको जेट स्ट्रीम गोटे थी तुम सब ट्रॉपिकल गोटे थी पोलार गोटे थी पोलार नहीं तीन टा कही ना जेट स्ट्रीम रो सिंपल ताकु जेट स्ट्रीम हमें कहीं को ना जेट तुम जान सब मुफ करे ना जेट उपर कहीं मुफ करे फ्रिक्शन कम फ्रिक्शन कमिले स्पीड बढ़ से बस तो से मैंने कौन करे सब ऊपर बा हाई अल्टीट्यूड को प्रिफर करे ना जेट स्ट्रीम भी सब हाई अल्टीट्यूड रे जाए हाई अल्टीट्यूड कले केते क्लोज टू ट्रोपोपोज हाई अल्टीट्यूड कले क्लोज टू ट्रोपोपोज जिते भी तुम जेट स्ट्रीम देखु सिंपल दे आर क्लोज टू ट्रोपोपोज क्लोज टू ट्रोपोपोज ध्यान से मानक ट्रोपोपोज रो ऊपर को जीवन तले जेट स्ट्रीम होची गोटे स्ट्रांग और फास्ट और तुम्हें कही पार फास्ट स्ट्रांग नैरो बैंड ऑफ विंड जोटा मूव करे वेस्ट टू ईस्ट को तले जेट स्ट्रीम रो डेफिनेशन होची इट्स ए स्ट्रांग फास्ट नैरो बैंड ऑफ विंड फ्लोस क्लोज टू ट्रोपोपोज इट्स ए स्ट्रांग फास्ट नैरो band of wind which flows close to tropopause from west to east usually all movement usually west to east ko se move kari thai na na ethi kon kahila across the globe ye across the globe thai bujhi parcha na ye mane kon thai that means close to tropopause ko le bujhi paribo so it would be like 16 kilometer 12 to तो एमती तुमको देखा जीवो ये 16 मैक्सिमम किंतु तुम्हारे 16 देखा जीवो ना कौन पे सुमा इट वुड बी 6 टू 12 तुमको कौन पे 16 तुम्हारा ट्रोपोपोज किंतु तार लोकेशन देख ना ये को लोकेशन रे जाउची सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल एरिया रे जीवो और सेठी ट्रोपोपोज रो हाइट कम सेठी के 12 किलोमीटर हो सेठी पे 6 टू 12 किलोमीटर होची तुम्हारो जेट स्ट्रीम रो अल्टीट्यूड बुझ बरसा नहीं अथर काई नहीं हबन बिकॉज़ ऑफ लैटिट्यूडनल फैक्टर और सिक्स कहीं ना पोलार रीजन आम पढ़ी सिक्स टू एट किलोमीटर ट्रोपोपोज सिक्स टू एट किलोमीटर सो इट वुड बी सिक्स सेवेन बस तो दैट वुड बी ये रही तुम हाइट अल्टीट्यूड दैट मीन तुम रही सिक्स टू ट्वेल्व किलोमीटर भितर मुव कर ये है ना डन ये तुम मुव कर डेफिनेशन ना आर कौन लेंथ के थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आर लेंथ थाए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आर जो थिकनेस थाए बुझ थिकनेस टा टू टू फोर मतलब एत भी ना थाए मैक्सिमम लिख फोर मतलब मैक्सिमम आर जो एत भी हम वन टू टू किलोमीटर नहीं चल सर कहते हैं हाँ बुझ पार्थ एतिक ये नंबर एपट सेपट हो पारे गोटे दीटा डिजिट बुझ देन आर विथ के मैक्सिमम से टू टू फोर किलोमीटर एत रिथ टा टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम रे देखते में सॉफ्ट ट्रॉपिकल ना सॉफ्ट ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को इंडिया रे कौन कहा जाए कही वेस्टर्ली इंडिया रे कौन कहा जाए वेस्टर्ली बुझी पार्टी एंड दिस वन आल्सो ये गोटे कौन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून कही अनलेस अंटिल दैट इज नॉट अपलिफ्टेड इटसेल्फ टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय मॉनसून वुड नॉट ऑनसेट बुझी पार्टी ये जितने सपोर्ट को जीवो मॉनसून टा ऑनसेट करिवो तो ये रहबो तले हमें केते देखतले एक देखतले सॉफ्ट ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फास्ट देखतले देन पोलार देन हमें देखतले पोलार जेट स्ट्रीम दुई देन हमें देखतले ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को कोठ को जाय भीतर देखा जीवो जो ऑनलाइन टिबेट टू अफ्रीका हां इट्स ए टिबेट टू अफ्रीका अफ्रीका ये के ये सीजनल ना थ्रू द ईयर दिखा दे कारण मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था बुकलेट उपर लिखा मोस्ट अप्रोप्रिएट बुझ
हाँ जदि तुम ऑप्शन रे थिबो कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली ताले बोथ हबो देन इट वुड बी बोथ जदि सिंगल सिंगल दिहाई छि देन सब ट्रॉपिकल हबो ने इट वुड बी ईस्टर्ली इज द मेन रीजन बुझ पड़छन एटा को टिके ध्यान से देखिबो त माने सब ट्रॉपिकल गोटे अलगा देथिबो ऑप्शन आ ईस्टर्ली गोटे देथिबो ऑप्शन ताले फार्मोस्टा हबो ईस्टर्ली हबो हाँ ईस्टर्ली बिकॉज बोथ आर रेस्पोंसिबल बट ईस्टर्ली एक्जेक्टली से होचे मेन बुझे से मेन फैक्टर सेटा मनसून पढ़े मुझे देखे देवी तुम केमती है आउ गोटे देखा जाए फोर टाइप रो पोलार नाइट जेट स्ट्रीम चार्टा जेट स्ट्रीम गोटे तुम ईस्टर्ली और सब ट्रॉपिकल गोटे पोलार गोटे ईस्टर्ली और गोटे पोलार नाइट है ना तो ये कि आमको जेट स्ट्रीम देखा हेलो हाँ कह तो ये रहिबो चारटा जेट स्ट्रीम या भितर तुम सब इम्पोर्टेंट पोलार जेट स्ट्रीम को कौन कह जाए बोली कहली रॉस्बी वेव जो आम देख जेट स्ट्रीम जो मुझे डायग्राम ड्र करी विंटर सीजन मेंडरिंग हो पाए रॉस्बी वेव हाँ देख ये रहा तुम इक्वेटर जीरो डिग्री ना जो टाइबेट अच्छी टाइबेट रु आफ्रिका भितर जो देखा जाए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आ तुम पोलार ये सब वेस्ट रु ईस्ट को जाऊँ किंतु ईस्टर्ली टा नॉर्थ ईस्ट रु साउथ वेस्ट को मूव कर देख ऑपोजिट डायरेक्शन रे आसुचे किए कहले मॉनसून मॉनसून कौन हो साउथ वेस्ट रु नॉर्थ ईस्ट ताले अर्थात कौन मनसूनल विंड रो ऊपर एटमॉस्फेयर देखा जाए जेट स्ट्रीम बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर खाली डायरेक्शन उल्टा ना बुझ से ये तले देखा जाए से तार ऊपर देखा जाए तो एटा गोटे कौन था एटा गोटे साइकल है बुझ पड़छन एटा गोटे सर्कुलेशन सेल तो गोटे सेल फॉर्मेशन हो मनसून टा तल विंड जीव ये तार आसो ऊपर जीव ये गोटे सेल फॉर्मेशन करे बुझ पड़छन এটা গোটে সেল ফর্মেশন করবার হেল্প করে সেটা মনসুন ফর্মেশন হলে মুখ তোমাকে দেখাই দেবি দিস ওয়ান ইজ মুভিং অপর আটমোসফিয়ার ডাউন আফ্রিকার পুঁ ইন্ডিয়া আসব কেন টাইবেট কু যাব বাট টাইবেট বাটার কে ইন্ডিয়া তো ইয়ে গোটে সেল ফর্মেশন হচ্ছে হ্যাঁ বুঝিপারছ না আটমোসফিয়ারিক সেল ইয়ে হি রেসপন্সিবল দিস সেল ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য অনসেট অফ মনসুন বুঝিপারছ আকু ডিসকস করে আর ডেপথ মনসুন পড়লা বেলে তো ইয়ে রহব তোমার চারটা পোলার নাইট জেট স্ট্রিম যেটা তার কিছু কাম নাই প্রথম কথা কোণ পাই দেখো সপোজ পোলার নাইট রে কোণ আছে লেটস সে এটা হলো তোমার সারফেস ই রইলা তোমার সারফেস আউ এটা হলো তোমার অ্যাটমোসফিয়ার অ্যাটমোসফিয়ার যে রইলা দুইটা ভিতরে যদি টেম্পারেচার ডিফারেন্স বহুত অধিক হবো তাহলে গোটে জেট স্ট্রিম ডেভেলপ হুয়ে তো ইয়ে যে জেট স্ট্রিমটা এটা ভর্টিকাল মুভ করে বাকি গুড়া হরিজন্টাল ইয়ে ভর্টিকাল মুভ করে তেমন তার কিছু কাম নাই সেইপাই তাকে আমি পড়ুন বাস টেম্পারেচার ডিফারেন্স হলে প্রেসর গ্রেডিয়েন্ট বড়ব আর প্রেসর গ্রেডিয়েন্ট বড়লে উইন্ড মুভ করব উইন্ড যেত উইন্ড কোণ হয়ে যায় লেটস ইয়ে হাই প্রেসর ইয়ে রহলা লো প্রেসর তোর যেতে ইয়ে কোণ এটি যেতে হাই প্রেসর বড়ব এ লো প্রেসর কু ডিফারেন্স বড়ব প্রেসর গ্রেডিয়েন্ট কলে সিম্পল দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু লো প্রেসর অ্যান্ড দ্যাট অ্যাট্রাকশন সেটা হল প্রেসর গ্রেডিয়েন্ট এ যেতে লেটস ইয়ে আকু আমি মাইনাস 20 করদেব আকু প্লাস 20 করিব তাহলে ডিফারেন্স কেতে দেখুছ কি না 40 डिग्री रे डिफरेंस हम देखाउ कोई वजन ना 40 डिग्री जितरे डिफरेंस ताले देखो विंड केते फास्ट मूव करिवो बुझि पड़छ तो सेति में जेते डिफरेंस बढ़िवो सेते प्रेशर ग्रेडिएंट बढ़िवो टेंपरेचर डिफरेंस सेते देखा जइबो एंड दैट टाइम जेट स्ट्रीम आसी जइबो दैट मीन जेट स्ट्रीम होचे गुड टाइप ऑफ विंड ताले तुम कहजे साइक्लोनिक विंड को काई जेट स्ट्रीम कहबे दो दो स्पीड इज इक्वल जेट स्ट्रीम पे मिनिमम टेंप उधर का तुम्हारो 120 किलोमीटर पर आवर जेट स्ट्रीम रो मिनिमम जो स्पीड ता थाय 120, 140, 180 तो ये सब रही है जेट स्ट्रीम में देखे थे ना तो हमको ये जो पोलार विंड को पोलार को आल्सो कॉल्ड एज द रॉस्बी
वेव बोली कह जाए आपको कौन कह जाए रस्टी वेव पोलार जेस्टम को कौन कह जाए रस्टी वेव बोली कह जाए ता कौन पे बिकॉज ऑफ मियंडरिंग ये कौन करे मियंडर करे बोली आपको में रस्टी वेव कहि थौ तो मियंडरी कौन पे प्रेशर ग्रेडिएंट रे जतले डिफरेंस आसे तो ये जो मियंडरिंग फैक्टर टा एटा सिंपल कहले बुझी परबो नाही ठीक है टेक्निकल अछि एटा बोयो लिटिल बिट टेक्निकल अछि कना आपको सत्य बेले बुझी परबो आ ये सब डिफिकल्ट बा तो देखियो जते भी यूट्यूबर अछि 100% ग्यारंटी देबी इंडिया रे कोनसी फैकल्टी नहीं ये जते सुदर्शन गुर्जर ठारे में देते बुझी पड़ता नहीं गोटे सेंटेंस यूज करते बुझी पड़ता नहीं कारण से मैंने भी जानते आपको पढ़ेबाटा बहुत डिफिकल्ट आउ पिला बुझी पारिबाटा आउर डिफिकल्ट कारण ये जो जेटसिम थाए आपको जो ग्राउंड रो कंडीशन को अपर कनेक्ट करे सब इम्पोर्टेंट पार्ट जो हर ये जेटसिम रो सब इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ ग्राउंड को अपर कनेक्ट करिया पड़ो ना पिला बुझी पारे और सही सब डिफिकल्ट पार्ट से जानी की स्किप कर जानते कहीं कि सफिसीयंट जी से कौन सफिसीयंट तो से पसंद नहीं छाड़ दिया चल आगे बुझे तो ये कौन करे ऊपर कारण देख तुम आटमोस्फियर जहाँ हूँ ना ग्राउंड कंडीशन अनुसार तो ग्राउंड रे जहाँ चेंज हम ऊपर रिफ्लेक्ट हम और ग्राउंड रे जो फ्रंट फॉर्मेशन हुए तार इंपैक्ट ता पड़े तेणुक से मियांडर करे जिते तुम फ्रंट अधिक फॉर्मेशन हम अधिक मियांडर करे और जो फ्रंट कम फॉर्मेशन हम से मियांडर कम कर स्ट्रेट लाइन रे जीव एटा सिंपल लेमन टर्म रे कहले बुझी पड़ता नहीं तो जदि कारण ये बस ये मन रखे जिते फ्रंट तुम अच्छी भाव एमती ना कह जाए स्टेशनरी फ्रंट कहीं का एरिया को जाऊनि बुझी पड़ता नहीं ना हियर प्रेशर ग्रेडिएंट केमती रहबो इट वुड बी वेस्ट टू ईस्ट एंड विंड कौन करिवो एमती स्ट्रेट लाइन रे फ्लो करिवो जेते बेले ए एयर मास एठी के आसिबो ए एमआर एठु के आसिबो तो देयर वुड बी बेंडिंग ऑफ एयर मैसेस ग्राउंड रे बेंड करूची और सेम इफेक्ट रिफ्लेक्ट हबो अपर एटमॉस्फेयर बुझो से भी बेंड करे पे लागिवो साथे बे विंटर रे रॉसबी वेव फॉर्मेशन पे समर रे फेयर ना विंटर रे जो ग्राउंड रो कंडीशन ता अधिक फास्ट चेंज हुए rather than the sun बुझि पड़ता है रिफ्लेक्ट तुमको तार रिफ्लेक्शन तुमको देखा जाए अपर एटमॉस्फेयर बुझि पड़ता है सिंपल टर्म था सब बेस्ट बुझि पार एटा सब तो ये रहो तुम जेट स्ट्रीम देन साइक्लोन तो ताले एतिकरे हिजो आराम से ट्रॉपिकल जेट जेट स्ट्रीम के साइक्लोन फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो ना के बीबी करे ना जेट स्ट्रीम साइक्लोन फॉर्मेशन हेल्प करे ना ये थला तमरो लोग अच्छा दैट मींस हमें विंड सब कवर कर दई छे हां अच्छा तमरो साइक्लोन रे प्रेशर बेल्ट सार दई छे हमें विंड लोकल विंड सीजनल विंड और ढेला तमरो ग्लोबल विंड नाउ गोटे हो जे ग्लोबल विंड ग्लोबल विंड कहा को कहबा जहाँ को भी जियोस्ट्रॉफिक विंड को आजे जहाँ को कौन को आजे जियोस्ट्रॉफिक विंड सिंपल ग्लोबल विंड है ला जहाँ तुम को विंड पैटर्न ड्रॉ करी देखे थे ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलार दीटा ईस्टर्ली ये दीटा रहला तुम्हारे कौन आईटीसी जेट है ना ये जो तुम्हारे मैप टा विंड मैप दिस विंड मैप ये ऐसा एमती ऐसा वेस्टर्ली गला मीट कला एपोट ऐसा तुम्हारे ये जो मैप टा ही है थे जहाँ विंड देखो जो ऑल आर द जियोस्ट्रॉफिक और ग्लोबल विंड बुझे इतने जहाँ थे दे आर द ग्लोबल विंड और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी विंड कारण आंको जब वेदर रे चेंजेस हुए दैट इज व्हाई दे आर प्राइमरी विंड सेकेंडरी कौन ना सीजन द्वारा जहाँ चेंज हो जेमती तुम्हारे मॉनसूनल विंड सीजनल तो जेते सीजनल विंड कहले ओनली मॉनसूनल दैट इज द सेकेंडरी विंड मॉन्सूनल विंड होची गुटी विंड जोटा के सेकेंडरी टर्शियरी हेला तोर लोकल विंड जेंति लू रहे गेला काल वैसा की आसे गेला ए सब जहा बुझि पड़छ तो ए मान को कहजे लोकल विंड तो ए मान को टर्शियरी विंड भी कहजे है ना ये रहला तमरो विंड समय देखि देथले सेंति विंड मैप भी ड्रा करी देखि देथले ग्लोबल विंड कोठी कोठी देखा जाउ छी एंड लोकल विंड्स तमको कहि देथले अच्छा मते को हेल्म कोठी देखा जबो ताले हेल्म हेल्म बहुत बढ़िया और भी कुछ बच्चन अच्छा बुरान कोट देखा जो साइबेरिया ये कोट देखा साइबेरिया
ସାଣ୍ଟାନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜିବ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ କେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ? ଜିବ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଜିବ୍ରାଲ ଟ୍ରେ ଲାଭେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, ଲାଭେଣ୍ଟର ଜିବ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ଲାଭେଣ୍ଟର। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଣ୍ଡ ହେଲା ସିଜନାଲ ୱିଣ୍ଡ, ଯେମିତି ମନସୁନ ହେଲା ଲାଭେଣ୍ଟର। ମିଷ୍ଟ୍ରାଲ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ? ଆଲ୍ପ୍ସ। ବୋରା କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ? ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସି, ଇଟାଲି କହିବନି, ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସି। ପୋନ୍ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ? ଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛ କୁହ, ପୋନ୍ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ? ପୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଇସି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡ୍ରେନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ସିରୋକୋ। ସିରୋକୋ, ସିରୋକୋ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଫ୍ରିକା। ସିରୋକୋ କେତେଟା ଲୋକାଲ ୱିଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଘିବ୍ଲି, ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ବି ଆଇ ଏଲ୍ ଆଇ, ଦେନ୍ ଚିଲି। ଚିଲି କୋଉଠି? ଟୁନାସିଆ। ଘିବ୍ଲି କୋଉଠି? ଲିବିଆ। ଖାମ୍ସି ଇଜିପ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ତିନିଟା ମିଶିକି ହବ ତମର ସିରୋକୋ ଲୋକାଲ ୱିଣ୍ଡ ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଛି। ଟାଟିନ୍ସ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଲୋକାଲ ୱିଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲେ, ଟ୍ରାଇସେଲର ମଡେଲ ଦେଖି ଦେଇଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ ସବୁ ତମର ହେଇଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ମନସୁନ ଟିକେ ବି ପଢ଼ି ଦିଏ ନା, ମନସୁନକୁ ଆସିବା ଆମେ। ପଢ଼ି ଦିଏ କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇମେଟରେ ଆମେ ମନସୁନକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ମନସୁନଟା ଏଇଠି ପଢ଼ିବା କଥା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତମେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର ହବ, ସେଠି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ହବ, ଏଠି ଥଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର ହବ କି ମନସୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ତ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନା ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛ? ମନସୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଆଗେ ମନସୁନ ମନସୁନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦେଖିଦିଅ। ଯେଉଁ ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥାଏ ମନସୁନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆଇ ଟି ସି ଜେଡ୍, ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏୟାର ମାସ୍ ଥିଓରି। ଆଇ ଟି ସି ଜେଡ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ ଏୟାର ମାସ୍ ଥିଓରି ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇବେଟ୍, ଟାଇବେଟ୍ର ରୋଲ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ଲୋକେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଲୋକେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ଆମର ଚାରିପଟେ ୱାଟର ବଡିଜ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର କ'ଣ, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଅର୍ ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଇଏ ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆନଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ଆଇ ଟି ସି ଜେଡ୍ ରହିବ, ଟାଇବେଟ୍ ରହିବ, ଲୋକେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ, ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ଏଲିନୋ ଆଣ୍ଡ ଲାଲିନା, ଇଏ ରହିବ, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଡାଇପୋଲ, ତାର ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ଥାଏ, ପଜିଟିଭ ଫେଜ୍ ନେଗେଟିଭ ଫେଜ୍, ହେଲା। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଆମେ କହିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ମନସୁନ ଫର୍ମେସନ, ହେଲା। ଡାଇପୋଲର ପଜିଟିଭ ଫେଜ୍, ନେଗେଟିଭ ଫେଜ୍, ଏଲିନୋ ଲାଲିନା, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଆଗେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଇ ଟି ସି ଯେହେତୁ ପଢ଼ିସାରିଛ, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଆକୁ ଖତମ କରିଦିଏ। ଏଲିନା କ'ଣ, ଲାଲିନୋ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ସ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଖତମ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ମନସୁନକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆକୁ ଖତମ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ପଢ଼ିବାରେ। ତ ଆଗେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଖତମ କରିବା ଆମେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଫୋନ୍, ତାହେଲେ ଏଲିନୋ କ'ଣ, ଏଲିନୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖିବା ଲାଲିନା। ଆକୁ ଯେତେ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ବୁଝିବ ସେତେ ବେଟର, ଯେତେ ଇଜିଲି ବୁଝିବେ। ନା ଆଗେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଲିନୋ ବୁଝିବା। ତ ଏଲିନୋକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡେଟା ଦେଖିଦେବ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ, ଏଲିନୋକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖାହଉଛି ନା?
ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ବସୁନ ଦେଖାଯିବ ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଲିନୋ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ସାଉଥ ଆମେରିକାର କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ଆଗେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥାଉ, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ସାଉଥ ଆମେରିକାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ। କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ୱିଣ୍ଟରରେ। କାଲି ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ନା, କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ କାଲି, ରିଲେସନ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେ, ହେ ନା କହୁଥିଲେ। ହଁ ତ ଇଏ ୱିଣ୍ଟରରେ ଦେଖାଯିବ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ହଁ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ହେ ନା। ଆଉ ତାର ଓଲଟା ଇଏ ହେଲା ସିଷ୍ଟର, ଇଏ ହେଲା ସିଷ୍ଟର, ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଲା। ନା ନା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ସ। ନା ଏଲିନୋ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ 2 to 3 years ଥାଏ ଆର ଡ୍ୟୁରେସନ୍, 2 to 3 years ଆର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥାଏ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ କେଉଁ କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ପେରୁ ଚିଲେ କୋଷ୍ଟ, ପେରୁ ଚିଲେ କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ବା ପେରୁଭିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲେ କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ, ଅଦା ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଇଏ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ। ଆର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ମୁଭ୍ କରେ କରେଣ୍ଟଟା, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ମୁଭ୍ କରିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିୟର୍ ଦେଖ, ଏ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଏ କେଉଁଠି ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଦିସ୍ ବୁଡ୍ ବି ମୁଭ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଦିସ୍ ବୁଡ୍ ବି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଏ କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ପେରୁଭିଆନ୍ କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଡନ୍। ନା ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତୁମକୁ ପଚାରିବନି, କି ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଦ ହମ୍ବୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ ସେ ଏଲିନୋ ୟର୍ ଚାଲେଞ୍ଜ, ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଦ ହମ୍ବୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଡଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ଇଏ ତ ଏଇଠି ରୁହେ, ବଟ୍ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥାଏ, ଏମିତି ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନା ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ସପ୍ରେସ୍ଡ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବନି, ଇଏ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍, ବସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଓନ୍ଲି ସପ୍ରେସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିବ, ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ସପ୍ରେସ୍। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଏମିତି ପଚାରେ, ଏମିତି UPSC ପଚାରେ, OPSC ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଚାରିବନି, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ସପ୍ରେସ୍ଡ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆଗେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ସେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ରହିବ ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟାସ୍ କହିଲେ, ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଦେଖାଯିବ, 2 to 3 years ଦେଖାଯିବ, ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାନ୍ କୋଷ୍ଟ ଦେଖିଛେ, ପେରୁଚିଲୁ ରହିଲା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ନା ଏ ଥିଲା ଏଲିନୋର ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟାସ୍। ତ ଏଲିନୋ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଇଏ ରହିଲା ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟାସ୍। ନା ଏଲିନୋ କେବେ ବି ସାଧାରଣତଃ ତୁମର 2 to 3 years, 5 years, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ସେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ କି 2 to 3 years ଆସେ ଥରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା 2 to 5 years ବି ହେଇପାରେ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ 2 to 3 years କି 5 years ଥରେ ଆସେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆସିପାରିବ, ସେ 2-3 years ବି ରହିପାରେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ତାର ସେମିତି କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ କି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ ଅଲ୍ସୋ 2-3 years, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3 years ବି ସେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ, ବୁଝିପାରୁ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ 2 to 3 years ଅର୍ 2 to 5% ଲେଖିପାରିବ, ଯାହା ବି ହଉ। ନା ଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯିବିନି, ଆଗେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିଦେବ, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ହେ ନା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମେ ପଜିଟିଭ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଗେଟିଭ ଲେଖିବ। ନା ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କଜ୍ ରେନ୍ ହିୟର୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରୁଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଜ୍ ରେନ୍ ହିୟର୍, ହେ ନା, ଇଏ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ରେନ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆଫ୍ରିକାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଏଲି ନହେଲେ କ'ଣ ହବ, ରେନ୍ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପାର୍ଟରେ, ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ପାର୍ଟ, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତୁମକୁ ରେନ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଠି ତୁମକୁ ରେନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏଠି ତୁମକୁ ହେଭି ଲେଖିବାନି, ମତଲବ ନର୍ମାଲ ରେନ୍, ହେଭି ଲେଖିବାନି, ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ 2-4 ଜାଗାରେ ସେ ରେନ୍ କରିବ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେନ୍ କରିବ, ସାଧାରଣତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ରେନ୍ କରିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରେନ୍ ହବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ରେନ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଇଏ ତାର ପଜିଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ନା ଏତେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କେବଳ ଏଇ ପାର୍ଟରେ, ଏଇ ପାର୍ଟରେ, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଡ୍ରଟ୍ ରହିବ। ହଁ ସାଉଥ ଆମେରିକାର, ସାଉଥ ଆମେରିକା ତ ଲେଖିଛେ ନା ଅଲରେଡ଼ି, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଇଏ ତୁମକୁ ପଜିଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦେଖାଯିବ। ନା ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିନୋ ଆସେ, ଯେଉଁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପେରୁ ଚିଲେ କୋଷ୍ଟରେ ଫିସେସ୍ ମାନେ ସବୁ ଡାଏ କରିଯାଏ, ମରିଯାଏ, ଫିସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ।
तुमको कौन बिकज एटी जो टेम्परेचर बढ़ी जाए जो फाइटोप्लांक्टन कंसंट्रेशन कमी जाए जेहेतु फाइटोप्लांक्टन कंसंट्रेशन कमी जब से न खाई स्टार्विंग मरी जाते बुझ तो मैसिव डेथ तुमको देखा ये तुम एनवायरमेंटल इंपैक्ट तुम लिखिपार बुझ ये तार नेगेटिव आउ गए नेगेटिव इंपैक्ट कौन इंडिया रे लेस रेन नो रेन लिख लेस रेन सिंपल क्या नोटा बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो इट वुड बी लेस रेन आवरेज टू कम रेनफॉल बुझिपार तो ये रार नेगेटिव इंपैक्ट आउ कौन नेगेटिव इंपैक्ट ना एलिनो टाइम तुम देख कौन नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हम अधिक यहाँ मन रख जदि एलिनो ईयर चलती कौन हम कि आम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन टा अधिक फॉर्मेशन हम कौटी ए कोस्ट तुमको देखा कोस्ट्रे कोस्ट्रे मैंने जो रेनफॉल होती लो प्रेशर आउ इंडियन ओशन रे कौन हम इंडिया केस रे अरेबियन सी रे अधिक हम एटा गोटे इंडिकेशन जो वर्ष देखो अरेबियन सी रे ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिक होती ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी एलिनो ईयर बुझ कारण लालिनो ईयर जी हम तुम बे ऑफ बंगाल रे अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हम एटा भी मन रख और जेहेतु लालिनो ईयर संख्या अधिक ओब्वियसली बे ऑफ बंगाल विल हैव मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन बुझ पार्छन तो ये रिलेशन थाए एलिनो आउ ट्रॉपिकल साइक्लोन भितर बुझ पार्छन तो ये तुमको मिलगला रिलेशन हम देखिले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एलिनो देन ओवरऑल आम कह जो पैसिफिक ओशन रो टेम्परेचर बढ़ी जाए ध्यान से मन कह ओवरऑल पैसिफिक ओशन रो टेम्परेचर बढ़ एलिनो एंड दैट विल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बुझे एलिनो ईयर जमी ए बर्ष टेम्परेचर अधिक है कि ना खरा दिन आ पूर्व तो ही ना तो एलिनो ईयर जो हम ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुके बुझे दैट नेगेटिव इंपैक्ट ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज कारण ग्लोबल टेम्परेचर कहीं बढ़े सिंपल पैसिफिक ओशन हो तुम टू थर्ड टोटल सरफेस टू थर्ड आउ टू थर्ड जब किसी इंपैक्ट हम दैट विल हाव रेस्ट वन थर्ड उपर इंपैक्ट पकेबो से बुझ पार तेना पैसिफिक ओशन को आगे स्टडी कराए ग्लोबाली जो क्लाइमेट चेंज तुम स्टडी कर आगे पैसिफिक ओशन को स्टडी कर क्या किसी भी चेंजेस है पूरा ग्लोबाल इंपैक्ट हम से सब पैसिफिक ओशन को रिसर्च कराए जेहेतु टू थर्ड एरिया कवर कर बुझिपार ना तो ये रहा फैक्चुअल डेटा तुम प्रिलिम पहले आउ कौन रखा ए एलिनो कहीं फॉर्मेशन हुए ना देख ये गोटे हाइपोथेटिकल आर से किसी आज पर्यटन कौन से साइंटिस्ट कहीपर कहीं पार कहीं जहाँ भी आम पढ़ुचे ऑल आर हाइपोथेटिकल जहाँ भी पढ़ुचे यार रीजन कौन आर रीजन आपको कनेक्ट करती क्या सहित ट्रेडविंड सहित आर दीटा ही रीजन ट्रेडविंड प्लस सनस्पॉट आर तृतीय रीजन आज पर्यटन मिले कहीं एलिनो हुए ओनली टू थिंग्स वन इज ट्रेड विंड है ना अनदर इज सनस्पॉट ना सनस्पॉट तो मानक तो पढ़ाई सनस्पॉट पढ़ाई थी ना एज द नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर डिक्रीज करिबो और से कम डिक्रीज एल्स ओल्ड नंबर ऑफ जेतले इंक्रीज करिबो टेम्परेचर बढ़िबो और डिक्रीज करले टेम्परेचर कमीबो तो ये सनस्पॉट हूँ गोटे फैक्टर सेकेंड फैक्टर हूँ ट्रेडविंड है ना ट्रेडविंड था तो ये हूँ दीटा फैक्टर तृतीय फैक्टर आज पर्यटन मिले बुझे दीटा फैक्टर जो एलिनो तुमको कौन दीटा फैक्टर ताले कौन टिके जस्ट लिटिल बिट कह दौ जस्ट कह तो अधिक कह दौ ना कौन कह फिल्म रे एमिति पढ़ेले सरीबन तापर गाली दबो बुझि पड़त सर एक्चुअल मेंस क्लास होची दीटा मुसर पढ़ो ताकि आगे के कंप्लेन करियो सर एमिति ले ठीक ठाक लागु छी ना डिटेल्स टिके देख सब जियोग्राफी खाली गोटे जिन प्रॉब्लम हुए ओडिसा पिला कौन हुए कंसेप्ट बढ़ाई नाराज इकोनॉमिक्स पढ़ेनि ओडिसा पिला कौन पढ़े शुण
साइंस टेक पढ़ेनि इकोनोमिक्स पढ़े जियोग्राफी पढ़े बुझे जो पढ़ु से भल से पढ़ से भी आसुनि पॉलिटी पचारे भी आसुनि पढ़ु कौन तापर को सर प्रीलिम हेलानी आ मेन्स हेलानी हम कि बुझे एथरे कौन थाए कि जितर ट्रेडविंड तुम जान सब कौन ईस्ट टू वेस्ट को मूव करे बुझी पड़ता आउ देख कौन जिन कनसेप्ट बुझे तुमको इजी लगे आउ क्लाइमेट भाया इजी पाठ मुझे पढ़ू जियोग्राफी में मतलब सब लगे क्लाइमेट इजी कारण एथे खाली प्रेसर जब जानीगल ना क्लाइमेट खत्म कि जियोमोर्फोलोजी में बहुत ही कनसेप्ट था बुझी पड़ता एथे कौन कहे विंड देख के अप्लाइड करें कनसेप्ट को विंड जो मुव कर सरफेस व्टर को कौन कर मूव कर दैट मीन आम कह सरफेस व्टर गुड भी अल्सो ड्राक ना सरफेस व्टर टा हो वार्म एयर वार्म व्टर ना से वार्म व्टर टा को आठ ग्यादर कला एपटू आठ डिपोजिट कला हाँ कि नहीं फ्रिक्शन करेव फर्म नहीं आस फ्रिक्शन करेव फर्म आपटे डिपोजिट कर स्ट्रंग विंड अच्छे ना दीटा ट्रेड विंड तो दैट मीन एपट साइड तुम वार्म व्टर कनसेट्रेसन कम अच्छे हाँ कि नहीं ताले ईस्टर्न साइड रे वार्म वाटर इज बीइंग डिपोजिटेड अप टू के 20 फिट्स भाव इमाजिन करो 20 फिट रो वाटर से गदा करुचे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रे ईस्ट वानी की के ट्रेड विंड नाउ एठी जितर तमरो वार्म वाटर कंसंट्रेशन बढ़ुची वार्म वाटर इक्वल टू लो प्रेशर ताले कंपैरेटिवली दिस साइड वुड बी हाई प्रेशर एन एठी वार्म वाटर पळी गला ताले ए कंडीशन को कहा जाए लालीना कंडीशन ना बुझा पड़ी बन this condition called as a la nina condition or normal pacific ocean condition normally enti chalita bujhi bujhan now the water is moving from the east to the west eti water jeki pile up hobo then eti low pressure hobo na low pressure hela pare air upar ku jibo obviously ami janiche then upar gala pare air high pressure hobo na bujhi bujhan then again bhabo eti kintu water ta tamaro cool rahibo kon pai tamaro surface ro jo warm water that is now dragged so comparatively this side would be cool water equal to high pressure bujhi parchan cool water equal to high pressure na ebe bhabo surface re this side is having high pressure surface re this side is having low pressure to surface re wind kemti move karibo from the high to low wind move hela now wind ethi atmosphere ku puni high pick up karibo na ki nahi mu tamu kahitali tale air upare kon rahibo high pressure आर उपर कौन रहिबो लो प्रेशर तले ये हाई रू लो को मूव कला तले ये हेगला गोटे तमरो सेल हेगला गोटे सेल हेगला एटमॉस्फेरिक सेल दैट मींस विंड इज मूविंग लाइक दिस मूविंग कमिंग डाउन अगेन मूविंग ये गोटे साइड सेल फॉर अस दिस सेल इज कॉल्ड एज कौन कहा जाको कौन कहते वाकर सेल आको कौन कहो जे वाकर सेल केते इजी देखो डब्ल्यू ए एल के ई आर वाकर सेल बस जो नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन ताले वाकर सेल कौन सिंपल सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन कौन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यदि तुमको प्रीलिम रे क्वेश्चन पचारिबो कि वाकर सेल कौन सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन जो विंडटा सर्कुलेशन आउ कौन कंडीशन रे नॉर्मल कंडीशन पे एटा में नॉर्मल कंडीशन देखुचे दैट मीन्स लालीना कंडीशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो सर्कुलेशन होची दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द वाकर सर्कुलेशन है ना सर्कुलेशन अर्थात एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बस एटा जितले उल्टा हि जीवो सेटा अब एली ताले वाकर सर्कुलेशन ता कोन हि जीवो अपोजिट हि जीवो नेगेटिव फेज ऑफ वाकर सर्कुलेशन एटाला तमरो पॉजिटिव फेज ऑफ वाकर सर्कुलेशन आउ गोटे रेबो नेगेटिव फेज ऑफ वाकर सर्कुलेशन और दिस इज आल्सो कॉल्ड अस साउदर्न ओशन ओसिलेशन ताकू मध्ये कोन कह जे साउदर्न ओशन ओसिलेशन ओसिलेट अर्थात कोन समथिंग मूविंग ओसिलेट करूछ बुझी पड़ सी एपट सेपट तो ऑसिलेट हो ताले ए बुझी गलो नॉर्मल कंडीशन रे कोन होची नाउ ए गुटे जिन सेटी तुम कहबे नॉर्मल कंडीशन रे आउ कोन होची हियर ए जे तुम कहबे केठी कूल वाटर एग्जैक्टली आसु जी कुआरो ना ओशन रे कोन हेते ओशन गोटे लार्ज वाटर बॉडी यार जो सरफेस तुम देखु छ ए जे ओनली केते मीटर छ ओशन रो वार्म था जे ओनली 20 मीटर आ ओशन ते 20 मीटर किछि नै यार डेप्थ होची केते पैसिफिक ओशन रो एवरेज डेप्थ केते कहलो 4,000, 5,000 plus, 5,000 to 6,000 meter, average depth. 6 किलोमीटर 20 मीटर्स कौन किसी नुह
बुझिपार ना ये जो वाटर टा हम ये जो सरफेस वार्म वाटर इफ ड्राक्ट एंड पाइल अफ हिअर ताद्वारा कौन हम ये ये गोटे प्रेसर पुट कर गोटे प्रेसर पुट कर ये प्रेसर टा एपटे आस रिलीज हम इन फॉर्म ऑफ कूल वाटर जो तलु वाटर टा रिप्लेस कर वाटर तो रिप्लेस हवा दरकार ना ये जो तुम प्रेसर को रिलीज कर तलु वाटर टा फिल अप कर तलु जो वाटर आस कूल वाटर दैट मीन ये कौन तेल ये कौन कह दिस इफेक्ट अज कल्ड आज द कौन अपवेलिंग बहुत बढ़िया अपवेलिंग ताले एठी जो कूल वाटर आसुची बिकॉज ऑफ अपवेलिंग फैक्टर बुझ पड़ एंड ये अपवेलिंग कौन पे कोठु आसुची फ्रॉम द थर्मोक्लाइन जोन अर्थात थर्मोक्लाइन हैला वाटर गोटे ट्रांजिशन लेवल गोटे हैला सरफेस वाटर गोटे हैला बॉटम वाटर मझीरे जो वाटर थाए ताको कहजे थर्मोक्लाइन जोन जोठी वाटर रा टेंपरेचर कूल थाए ऊपरटा वार्म रहइबो मझीटा कूल ता तलटा वाटर जो बॉटम वाटर टा सेटा हैला कोल्ड माइनस रे थाए माइनस 2 डिग्री सेल्सियस थाए ओशन रो जो बॉटम वाटर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस बुझि पड़छ ने तो भाबो तले ए जो थर्मोक्लाइन गोटे ट्रांजिशन लेयर ऑफ वाटर ओशन रो फ्रॉम वेयर वाटर अपक्रीप्स टू द सरफेस एंड रिप्लेस ता द्वारा तमरो कूल वाटर फॉर्मेशन बुझि पड़छ सेथिबे हमें आपको कहूचे कूल और कूल इक्वल टू हाई प्रेशर बस ये रहला नॉर्मल कंडीशन बुझि पड़छ ना नहीं ए रहला नॉर्मल कंडीशन एबे नॉर्मल कंडीशन रे हमें पढ़िले कि द विंड इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर बुझि पड़छ ना अच्छा आपको जदि मु वीक कर देबी तले से जति के ड्रैग करि के नउता हेते नै परिबो नै नै परिबो नै प्लस कोन हबो एठी जो पाइल अप हेगी थला दे विल ट्राई टू रिवर्स बैक कारण प्रेशर टा भी वीक हे गेला सो दे विल ट्राई टू रिवर्स बैक ताले वार्म वाटर विल ट्राई टू रिटर्न टू प्रीवियस स्टेज को आसे पे जाइबो ताले ठी कोन देखाउ छी काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट तर जो करंट आ ईस्ट टू वेस्ट को एतला से वेस्ट टू ईस्ट को बे फॉलो बैक करियो कोन पई जो प्रेशर टा पुट करियो एतला से वीक हे जेती कोनसी कारण रु योर ट्रेड विंड्स दे गॉट वीक एनी बाय एनी रीजन द ट्रेड विंड्स गॉट वीक और वीकेंड बुझि पड़छ so that what will happen is the warm water again return back to the previous stage hala jodi asile light warm water concentration padibo hegla ilino tale jo normal state ta reverse heigala seta hala tale sethi mon tumku dui ta factor koitli gotela trade wind so here trade wind got what weekend magi nai e kon si karon seta kehi bi koi parun kahi ki trade wind beach heigala bujhi parchan तो ये ला ना गोटे रीजन को हाउची सनस्पॉट कारण सनस्पॉट जिते अधिक हम ट्रेड विंड से एक्टिव हम सनस्पॉट जिते कम हम ट्रेड विंड वीक हो जाए यहाँ गोटे बढ़ टेम्परेचर बढ़े विंड स्पीड बढ़ो ना प्रेशर डिफरेंस बढ़ी बढ़ी जी बुझी पड़ ये गोटे फैक्टर बास दैट इज वाई एलिनो विल फॉर्म तो एलिनो केमती दैट मीन गोटे काउंटर इक्वेटोरियल करंट लालिनटा आगे हम सेटा नॉर्मल कंडीशन बा सेटा बा नॉर्मल कंडीशन सेटा सब बेले हम एटा अबनॉर्मल कंडीशन टा अबनॉर्मल टा केतले रेयर आसे तनो अबनॉर्मल टा कम आसो मैक्सिमम टाइम टा नॉर्मल रहबो सेथि बे ये त 2 टू 5 इयर्स नै जेबो 2 रु 5 वर्ष भीतर केबे थरे आसीबो दैट डज नॉट मींस इट विल सस्टेन टू 2 टू 5 इयर्स थरे आसीबो 2 टू 5 इयर्स भीतर ये थरे आसीबो आ जदि 1 टू 2 इयर नै त फ्रीक्वेंटली आसु छै से बुझी पड़छन सो इट वुड बी 2 टू 5 इयर्स समय नै बुझी पड़छन तो ये रहला एलिनो लालिनो बुझी परबो त लालिनोटा कोन नॉर्मल कंडीशन बुझी पड़छन आ ये एलिनोटा अपनर टाप नॉर्मल केटेबल भी पे परे बिकॉज़ दैट कंडीशन कोन सिंपल जदी ट्रेड विंड का तमरो वीक हे जाउ छ ए जो एबे दुधा परियो टू टाइम रे जिते सनस्पट अधिक रोक ओब्विस्ली आम तो कही पाना से डालीना कंडीशन बुझ पड़े क्या जो सनस्पट कमी जी धीरे 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 तुम टेम्परेचर भी कमी जी अर्थ सर्फेस तो यहाँ विक हो ट्रेड विंगटा तो तुम लालीना सरी एलिनो बुझ पड़े तो ये रोक एलिनो ना एलिनो टाइम सर्कुलेसन पुणी चेंज हो जो पासीफिक ओसन रो सर्कुलेसन टाइम जहाँ वाकर सेल पढ़ी तार भी नेगेटिव हो केमती हम देख आम पढ़ी केमती होता इट वाज मूविंग लाइक दिस अफ डाउन एमती मूव करूला तो मूवमेंट थी एमती
एबे उल्टा कर दियो तो कारण कौन पे सुनो ना हियर वुड बी लो प्रेशर टा इठी वार्म वाटर इठी अधिक हबो लो प्रेशर तळे जे लो प्रेशर आरो ऊपर रहइबो हाई प्रेशर दैट मींस एठी रहबो तमरो हाई प्रेशर तार एठी रहो लो प्रेशर तले एयर टा देखइबे केमती उल्टा मूव कला तले दिस इज द नेगेटिव फेज ऑफ वाटर सप्लाई सुनामनी बुझा पड़ी वे दिस वुड बी नेगेटिव फेज ऑफ वाकर सर्कुलेशन बस तले नेगेटिव फेज एसोसिएटेड विद एलिनो और पॉजिटिव फेज एसोसिएटेड विद लाल ई आरो अधिक पछरीबो ना एथरे आ गोटे कोन पछरे देखो तम पछरे एलिनो मुदुकी कोन एलिनो मुदुकी एलिनो मुदुकी है ना आ गोटे एबे नुवा कांसेप्ट देखि दो एलिनो मुदुकी MODUKI मुडुकी अर्थात कौन देख एलिनो मुडुकी रे कौन हुए आम एलिनो कंडीशन तो देखी देले एलिनो कंडीशन रे हियर वुड बी लो प्रेशर ईस्टर्न रे जदि इफ दैट लो प्रेशर रिमेन्स इन सेंटर लो प्रेशर टा कोठी रहबो ईस्टर्न साइड रहबा कथा जदि बाय चांस लो प्रेशर विल स्टेशन एट सेंटर दैट वुड बी मुडुकी अर्थात मिडिल दैट मींस मिडिल कहले देयर वुड बी टू सेल ध्यान से देखबे एठी हियर वुड बी टू सेल फॉर्मेशन हबो जो वन सेल जगह एबे दीटा सेल फॉर्मेशन हबो कना मझिरे बा लो प्रेशर अछि एबे दीटा सेल फॉर्मेशन हबो दैट मींस मुडुकी रे देयर वुड बी टू सेल आउ सिंगल सेल रहिबो न इट वुड बी वन एंड टू सेल बुझि पड़छ न देयर वुड बी टू सेल्स रहिबो बट एलिनो किंबा लालिने रे गोटी सेल रहिबो ना टू सेल केमती फॉर्मेशन होछि देखो ना देख मु कहली जदि तमरो ये रहला ऑसिस और है ना एपट रहला तो मुडुकी केत कह जी लो प्रेशर मिडिल रे रहला ताले लो प्रेशर जदि मिडिल रे हाई प्रेशर तार ऊपर रहइबो ताले एठी गोटे हाई प्रेशर रहइबो एठी गोटे हाई प्रेशर रहइबो कारण कोन थाए कंडीशन जदि ग्राउंड रे गोटे लो प्रेशर छि तार दीपट साइड रे दीटा हाई प्रेशर रहइबो वन लो प्रेशर टू हाई प्रेशर और टू हाई प्रेशर वन लो प्रेशर कंडीशन ना एठी कोन हबो हियर वुड बी एयर मूव बुझि पड़छ नै डाउन मूव ए गोटे सर्कुलेशन देखा जइबो तुमको दिस वुड बी वन सर्कुलेशन एठी कोन हबो देन दिस वुड बी अनदर सर्कुलेशन ते एठी तुमको टू सेल्स फॉर्मेशन हबो रादर देन द वन सेल बुझि पड़छ ए रहो नोडल स्ट्रक्चर हो कोन कहिलो सुनाउनी आउ थरे को मोय सर नोडल 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 स्ट्रक्चर सर जहा कहि पर ना तो ये स्ट्रक्चर तुमको देखा जो मुडुकी जदि तुमको पचारे मुडुकी कोन एलिनो मुडुकी सिंपल लो प्रेशर वुड बी सेंटर ऑफ द पैसिफिक ओशन बुझ बस एरो एलिनो मुडुकी तो एल दैट मींस हमें मानसून रे एलिनो बुझि गेले तो एलिनो टाइम रे इंडिया रे रेनफॉल काहे की कम हुए इंडिया रे रेनफॉल एथि पे कम हुए बिकॉज ऑलरेडी एई पोटे तमरो रेनफॉल होउची ये गोटे लो प्रेशर ऑलरेडी एथि रेन होउची आ एथि लो प्रेशर भीतर अट्रैक्शन कमी जो ना प्रेसिपिटेट सेथि पे वी एक्सपेक्ट ऑलवेज हाई प्रेशर हियर सो दैट मोर प्रेशर ग्रेडिएंट विल बी देयर बुझि पड़छ हमें चाहू ईस्टर्न आफ्रिका रीजन सुड हाव ऑलवेज हाई प्रेशर दिस रीजन सो दैट हाई प्रेशर रहले इंडिया रे लो प्रेशर रहइबो एयर विल फ्लो अधिक रहइबो जदि तुम्हारे बाय चांस एठी लो प्रेशर हो गला अट्रैक्शन कमी जीवो प्रेशर ग्रेडिएंट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो टा रिड्यूस करी जीवो बुझि पर्छन द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो विल रिड्यूस ना बुझा पड़ी होनी खाले ऊपर त पळे जाऊ नी नहीं तो क्लियर अछि मॉइस्चर लैडन एयर टा जाई परियो नी जीवो तार कंसंट्रेशन कमी जीवो बुझि पर्छन तो दैट विल इक्वल टू लेस रेन ये गला तुम्हारा एलिनो लालिना बुझ गल ना एथे आपको कौन करो क्वेश्चन सॉल्व कर देबो तमे हैला घटना चक्र देखो सॉल्व कर दो हे जीवो जदी हे गला जानिबो दैट मींस कांसेप्ट क्लियर दो गला ये एलिनो लालिना खत्म हे गला।